Praise the Lord. आप सबों के साथ मिलकर फिर से मैं बहुत आनंदित हूँ। हम लोग पिछले सप्ताह तक पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे थे। बहुत लंबे समय तक हमने सीखा, है ना, लगभग 3 महीने, और बहुत कुछ हमने सीखा। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको सारी बातें बता दी। पवित्र आत्मा स्वयं आपको बाकी बातें बताएगी। जितनी जरूरी बातें थी वो मैंने आप पर प्रकट कर दी, आपको बता दिया। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज एक दूसरे विषय पर सीखेंगे। हम लोग अब विषय बदल रहे हैं, अब हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में सीखने के बाद कुछ दूसरे विषय पर सीखेंगे। और इस विषय को मैंने नाम दिया है क्रिश्चियन ग्रोथ, मतलब मसीही उन्नति। इस संसार में जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो हम कहते हैं कि उसने नया जन्म पाया। अगर उसने नया जन्म पाया है तो एक नए जन्म पाए हुए छोटे बच्चे के समान है, और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, हम लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में अलग अलग नाम पुकारते हैं, हम लोग कहते हैं नवजात शिशु है। फिर कुछ बड़े हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं अब किशोर अवस्था में है। फिर हम लोग कहते हैं वो जवान है, वयस्क है, अधेड़ है, वृद्ध है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हम लोग कहते हैं। बाइबल भी इसी प्रकार से अलग अलग शब्दों से मसीही जीवन की उन्नति के विषय में प्रकट करती है। अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो पहला यूहन्ना की पत्री को देखें और उसके दूसरे अध्याय, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसके पद 12 से लेकर पद 14 तक। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 12 से लेकर 14, यहाँ पर जो हमारे आत्मिक उन्नति है, ये मसीह उन्नति है, उनके कुछ चरणों के विषय में लिखा हुआ है। सारी बातें यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि जो मसीहियत है वो एक ही स्तर का जीवन नहीं है। कि आप यीशु मसीह को ग्रहण किए उद्धारकर्ता के रूप में और फिर आपका जीवन सिर्फ उसी स्तर पर बना रहे, वैसा नहीं। सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और आज हम लोग इसी के विषय में चर्चा करेंगे। पद 12 कहता है, हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। उसने कहा हे बालको, हे पितरो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़को, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरो, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वहां पर शब्द हैं बालकों, जवानों, लड़कों, पितरों। 4 अलग अलग शब्द हैं जिसके द्वारा वो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को संबोधित कर रहा है। जब यूहन्ना इस चिट्ठी को लिख रहा था तब अलग अलग ये शारीरिक उम्र की बात भी नहीं है ना, कि कोई व्यक्ति छोटा था 5 वर्ष की उम्र तो उसको बालक कह रहा है और जो 50 साल का था उसको पितरों कह रहा है। जो मसीह उन्नति होती है उसका हमारे उम्र से कुछ खास लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति तो ऐसा हो सकता है कि वो 50 वर्ष का हो जाए लेकिन आत्मिक दृष्टि से वो बालक के समान होगा, उसकी उन्नति ठीक से नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उन्नति करें ताकि हम लोग उसकी परिपूर्णता को इस धरती पर प्रकट कर सके। तो हम लोग शुरू से सोचते हैं, जब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए होते हैं तब हम लोग परमेश्वर के राज्य में कोई भी जगह नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम लोगों का नया जन्म हुआ, और उसको ग्रहण करने से पहले परमेश्वर का वचन हमारे पास में भेजा जाता है। परमेश्वर का वचन सुसमाचार के रूप में हमारे पास में आता है और हम लोग उसको सुनते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर विश्वास करने में हमारी सहायता करता है और उस वचन के द्वारा हम लोग नया जन्म पाते हैं। हम लोग इसको लिखा हुआ पाएंगे पहला पत्रस और उसका अध्याय 2
सॉरी अध्याय एक और उसके पद 23, पहला पत्रस और उसके अध्याय एक और उसके पद 23, 23 यहां पे लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। उसने कहा हमने नया जन्म पाया, तुमने नया जन्म पाया, कैसे पाया, कौन सा बीज था जिसके द्वारा तुमने नया जन्म पाया? तो उसने कहा परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया, अर्थात जिस बीज से हमारा जन्म होता है वो बीज कोई और नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन है जो जीवित है और हमेशा हमेशा बना रहता है। सो हर एक वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसके भीतर वो बीज है और वो बीज उसको नया जन्म देता है और वो बीज हमेशा ठहरा हुआ रहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब हम लोग उस नए जन्म की अवस्था को प्राप्त किए हैं तो हम लोग जो छोटी सी अवस्था है, बच्चों की सी अवस्था है, हम लोग उसी में बने ना रहें लेकिन हम लोग उन्नति करें। हम लोग बच्चों को देखते हैं जब वे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग अगर चाहते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो तो हम लोग उसको खिलाते पिलाते हैं, उसको दूध पिलाया जाता है ताकि उसकी उन्नति हो, शारीरिक रूप से उन्नति करे। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी है कि जब हमने नया जन्म पाया है तो हम लोगों को उन्नति करनी चाहिए, हम लोगों को अपने जीवन को बार बार चेक करना चाहिए। आज से 5 साल पहले मैं जहाँ था आज भी वही हूँ तब तो बड़े दुख की बात है, तब तो उन्नति नहीं हो रही है ना। लेकिन हमेशा पीछे मुड़कर देखना चाहिए, मैं पहले कहाँ था, 1 साल पहले मैं कहाँ था, कहाँ थी, उससे उन्नति हुई कि नहीं हुई, कि मैं वैसे ही हूँ। अगर वैसे ही है तब तो समस्या है, तब तो कुछ प्रॉब्लम है जिसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर उन्नति होगी तो साफ साफ पता चल जाएगा। आप अपने शरीर को भी देखिए, शारीरिक रूप से भी जब परिवर्तन होता है धीरे धीरे करके परिवर्तन होता है, लेकिन आप पीछे मुड़ करके देखिए, कुछ साल पहले की बात आप पीछे के फोटो निकाल करके देखिए तो आपको अंतर दिखाई देगा। आपका चेहरा कुछ और दिखाई देता था उस समय, अब आप कुछ और दिखाई देते हैं। तो हम लोग शारीरिक रूप से भी उन्नति करते हैं, उसमें परिवर्तन दिखाई देता है, तो आत्मिक रूप से भी अगर हम उन्नति करते हैं तो उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। अपनी उन्नति को जांचने का यही तरीका है, हम पीछे मुड़कर देखते हैं और तुलना करते हैं, अभी जैसे हैं पहले भी वैसे ही थे कि क्या, अभी जैसा हम विश्वास करते हैं पहले भी वैसे ही थे क्या, और आगे को ऐसे ही रहेगा या कुछ परिवर्तन होगा। यह आत्मिक सीढ़ी के समान है, हम लोग उन्नति करते चले जाते हैं। लेकिन उन्नति के लिए जो सबसे पहला चरण है वो है दूध पीना। जो छोटा बच्चा होता है उसको दूध पिलाया जाता है क्योंकि उसको दूसरी वस्तुएं नहीं खिला सकते ना। लोग कहते हैं कि एक सेब रोज खाओ डॉक्टर दूध भगाओ, तो हम सोचे क्यों ना बच्चे को सेब खिलाना शुरू करें, तो हम उसको सेब नहीं खिला सकते क्योंकि वो सेब खाने के लायक अभी नहीं, उसको दूध ही पिलाया जाना चाहिए, तो उसको दूध पिलाया जाता है। उसी प्रकार आत्मिक उन्नति के लिए भी परमेश्वर ने हमारे लिए दूध का इंतजाम किया है और इसको हम लोग इसी पहले पत्रस की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय और उसके दूसरे पद में देख सकते हैं। और हम लोग इसको ई स्वॉर्ड से भी देखेंगे ताकि हम लोग इसका यूनानी शब्द देख सकें, क्योंकि जो हिंदी शब्द अनुवाद किए गए हैं और जो यूनानी शब्द हैं दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ देखते चले जाएं। तो यहाँ हिंदी में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये जो अनुवाद किया गया है ये अनुवाद सटीक नहीं है, माने तो उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, सही अनुवाद होगा उद्धार में बढ़ते जाओ। अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखा है, या फिर आपके पास हिंदी का दूसरा अनुवाद हो IBP तो आप उसमें लिखा हुआ पा सकते हैं, पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और उसके पद 2। इंग्लिश में लिखा है, एज न्यू बॉर्न बेब्स डिजायर द सिंसियर मिल्क ऑफ द वर्ड दैट यी मे ग्रो देयर बाय, ताकि तुम उसके द्वारा उन्नति करो। और हिंदी में वहां पर जोड़ दिया गया उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो ऐसा लगता है कि नया जन्म तो पाया लेकिन उद्धार भी पाया नहीं, वो जब बड़ा होगा तो शायद उसको उद्धार मिलेगा, ऐसी बात नहीं। नया जन्म पाया है मतलब उद्धार पाया, लेकिन जो उद्धार हमने पाया है, जो जन्म हमने पाया है, उसमें हम बच्चे के बच्चे बने ना रहे लेकिन हम बढ़ते चले जाए।
परमेश्वर की मनसा ये। और उसने कहा नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा कर। अब हमको एक दूध चाहिए जो संसार में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जन्म जो हुआ वो आत्मा में हुआ, तो संसार के किसी भी दूध से हम पी करके आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को आत्मिक दूध ही चाहिए। और उसने कहा वो आत्मिक दूध क्या है? उसने कहा वो परमेश्वर का वचन है। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। और अगर हम लोग इंग्लिश में देखें KJV, तो वह लिखता है एज न्यू बॉर्न बेब्स डिजायर द सिंसियर मिल्क ऑफ द वर्ड, सिंसियर मिल्क ऑफ द वर्ड। उसमें साफ साफ इस बात को प्रकट कर दिया गया है कि जिस दूध के द्वारा हमारी उन्नति होगी वो कोई और नहीं लेकिन वो परमेश्वर का वचन, वो वचन है जिसके द्वारा हम उन्नति पाएंगे। और जब यहां पर शब्द लिखा है न्यू बॉर्न बेब्स, तो बेब्स के लिए जो यूनानी शब्द है इस वर्ड में हम देखेंगे तो वो यूनानी शब्द है ब्रेफोस। ब्रेफोस अर्थात वो जो अभी अभी जन्मा है, अभी जन्मे उसको ज्यादा समय नहीं बीता है, नवजात शिशु जिसको हम कहते हैं वो है ब्रेफोस। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। बेब्स के पास क्लिक कीजिए G1025। यस, ब्रेफोस आपको अगर दिखाई दे ब्लू कलर से, तो जब एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ है अर्थात नया जन्म पाया है तो उसके लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो है ब्रेफोस। वो भी छोटा है, उसको दूध ही चाहिए, लेकिन अगर वो उस वचन की लालसा करेगा जो उसके लिए उपलब्ध की गई है तो परमेश्वर उसको वचन भी उपलब्ध कराएगा, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर उसके लिए लोगों का भी इंतजाम करेगा कि लोग उसको वचन दे सके, वचन सिखा सके। परमेश्वर उसके लिए खुद भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करेगा ताकि वो वचन को पढ़ करके समझ सके। और जैसे जैसे हम वचन को पाते हैं, उसको समझते हैं और हम चाहते हैं कि व्यवहारिक रूप में हमारे जीवन से दिखाई दे, हम उन्नति करते चले जाते हैं। हम इस बात का स्पष्ट अंतर पाएंगे कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था तब हमारा जीवन कुछ और था, लेकिन जब हमने ग्रहण किया तो हमारा जीवन बदलने लगा। हमारा जो लाइफ स्टाइल था, जीवन जीने का तरीका था, वो सब कुछ बदलने लगा, एक दूसरे प्रकार का हो गया, एक दूसरे स्तर पर हम जाने लगे। इस बात को हम पाएंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसी अवस्था में नहीं रहे। बड़े दुख की बात होती है, बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो ब्रेफोस की अवस्था में तो आ गए लेकिन वचन की लालसा नहीं करते, और वचन की लालसा नहीं करने के कारण वे फिर उन्नति नहीं करते, है ना। बहुत सारे लोग तो पीछे लौट जाते हैं, लेकिन जो तरीका हमें दिया गया है वो है आत्मिक दूध की लालसा करो, अर्थात परमेश्वर के वचन की लालसा करो। जब एक छोटा बच्चा होता है और उसको भूख लगती है तब वो रोता है, उसका शरीर लालसा नहीं करते, और वचन की लालसा नहीं करने के कारण वे फिर उन्नति नहीं करते, है ना। बहुत सारे लोग तो पीछे लौट जाते हैं, लेकिन जो तरीका हमें दिया गया है वो है आत्मिक दूध की लालसा करो, अर्थात परमेश्वर के वचन की लालसा करो। जब एक छोटा बच्चा होता है और उसको भूख लगती है तब वो रोता है, उसका शरीर उसको महसूस कराता है कि कुछ तो चाहिए, पेट में कुछ जाना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ है वो भूख भूख होता है ये नहीं जानता है, लेकिन वो महसूस करता है, उसके शरीर उसको महसूस कराता है। लेकिन आत्मिक रूप से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको महसूस हो कि मुझे जरूरत पड़ रही है। उसके लिए आपको स्वयं लालसा करनी चाहिए, उन्नति कंपेयर करते जाइए। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो 40 साल की उम्र शारीरिक अवस्था में वो आत्मिक रूप से ब्रेफोस है। इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारा नया जन्म है या जो आत्मिक उन्नति है उसका हमारे शारीरिक उम्र से कुछ खास लेना देना नहीं। वो 40 साल की उम्र में भी जबकि शारीरिक अवस्था के हिसाब से तो वो वयस्क है, लेकिन आत्मिक रूप से ब्रेफोस होगा, क्योंकि उसने अभी यीशु मसीह को ग्रहण किया, अभी उसने पाया है। तो इससे काम नहीं चलेगा कि मैंने 40 साल बिताए हैं, मैंने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए। आत्मिक रूप से वो ब्रेफोस है, उसको वचन चाहिए। इसको हम लोगों को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म भी उसके वचन से हुआ है, तो हम लोग उन्नति भी पाएंगे तो उसके वचन ही से।
और इसलिए उसके वचन को पढ़ना शुरू करना चाहिए। मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया और उसके बाद जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा, 2014 से मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। और जब पहली बार मैंने पढ़ा, मेरे पास में जो बाइबल थी, हमारे पास जो BSI बाइबल है वो नहीं थी, दूसरी बाइबल थी, IBL इंडिया बाइबल लिटरेचर की बाइबल थी। और उसमें जहाँ भी पुराने नियम में यहोवा शब्द आता है उसमें प्रभु करके लिखा हुआ था। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर कहीं पर सार्वजनिक कोई सभा होगी और वहाँ पर मुझसे कहा जाएगा चलो तुम पढ़ो, तो जब मैं पढ़ने लगूंगा तो वहाँ पर तो प्रभु करके पढ़ दूंगा, क्योंकि बाकियों के बाइबल में तो यहोवा लिखा है, तो ये ठीक नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाइबल में करेक्शन किया जाए, तो मैंने उसमें करेक्शन कर दिया। मैंने पुराने नियम में ढूंढा जहां जहां प्रभु लिखा है यहोवा होना चाहिए, मैंने वहां वहां मार्क कर दिया। पहली दफा जब मैंने वचन को पढ़ा तो सिर्फ इसीलिए पढ़ा था, और जो जो वाक्य मुझे अच्छे लगे मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। जब छोटा बच्चा दूध पीता है उसको नहीं मालूम कि क्या होता है, लेकिन वो बड़ा उन्नति करता चला जाता है। मैं किसी भी तरीके से वचन को पढ़ रहा था, मेरे अंदर वचन आ रहा था, मैं उन्नति कर रहा। एक बार बाइबल पढ़कर कंप्लीट हो गया, फिर मैंने सोचा कि अब दूसरी बाइबल ली जाए, नहीं तो करेक्शन करके ठीक कर दिए। दूसरी बाइबल ली जाए, उसको पढ़ा जाए। जब जब मैं दूसरी बार पढ़ने लगा तो मुझे फायदा ये हुआ कि जब पहली बार मैंने पढ़ा था उनमें से बहुत सारी चीजें मुझे याद थी। रेफरेंस भले ही याद नहीं था, मुझे याद था कि वो दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, ऊपर में है कि नीचे में है, मुझे याद था। मुझे उसको ढूंढ कर जरा निकाल लेना पड़ता था। दूसरी बार में मैंने बाइबल पढ़ा, दूसरी बार कंप्लीट हो गई। फिर मैंने फिर से पढ़ा, मैंने सोचा कि बड़ी बड़ी बाइबल मैंने पढ़ ली, अब छोटी बाइबल भी पढ़नी चाहिए क्योंकि लाने ले जाने में सुविधा होती है। लेकिन बड़ी बाइबल पढ़ने के तक कुछ लोगों ने बताया कि तुम इस प्रकार से वचन को मार्क कर सकते हो कि जो भविष्यवाणी है उसको इस कलर से करो, जो आज्ञाएं हैं उसको उस कलर से करो, जो प्रार्थना है उसको उस कलर से करो, वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि ये तो अच्छा आइडिया है, जब अगर पद ढूंढना होगा मुझे मालूम होगा कि प्रार्थना से संबंधित पद है तो बैंगनी कलर ढूंढ लेंगे तो मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने कलरफुल पेन अपने लिए इकट्ठा कर लिए और मैं ध्यान से देखने लगा कि ये आज्ञा है, भविष्यवाणी है, ये क्या है, और फिर मैंने मार्क करना शुरू किया। मेरे पहले की बाइबलें वैसे ही रंगी हुई हैं, और उसके बाद जो बाइबल अभी मेरे पास है वो भी ऐसे ही रंगी हुई है, चारों तरफ से आप देखिएगा इस पर रंग बिरंगी चीज़ें भरी हुई हैं। तो मैंने उन सबको ऐसे ही रंग दिया, मैंने लालसा करना आरम्भ किया। और 2005 ईस्वी में मेरा एडमिशन हुआ था संजीवियस कॉलेज में, और मैं वहाँ पर आया जाया करता था। मैं अपनी उन्नति की कहानी थोड़ी आपको प्रकट कर दूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तब मेरे पास में एक साइकिल हुआ करती थी, और जब मैं उस कॉलेज में जाने लगा तो वहाँ पर कहा गया कि जो सीनियर लोग हैं उनको फेयरवेल देना पड़ेगा, तुम लोगों को आना होगा। तो फिर हम लोग डरे समय चले गए, इतवार का दिन था, हमें बुलाया गया था। और फिर जब मैं वहाँ पर चला गया, स्टूडेंट जितने सीनियर थे उनको फेयरवेल दे करके हम लोग निकले, तो मुझे पता चला कि मेरे साइकिल का भी फेयरवेल हो चुका है, मतलब विदाई हो गई, किसी ने चुरा लिया। उसके बाद दोबारा मैंने साइकिल नहीं खरीदी और मैं पैदल ही आना जाना करने लगा। लेकिन जब मैं पैदल आया जाया करता था तो मेरी एक आदत थी, मेरी उन्नति के पीछे जो बातें हैं मैं बता रहा हूँ, मेरी एक आदत थी, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता और उसके बाद मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ जाता था और वचन पढ़ता था। 1 घंटे मैं बाइबल पढ़ता था, 1 घंटे मैं प्रार्थना करता था, और उसके बाद फिर मैं अपने कामों को निपटा करके कॉलेज के लिए निकलता था। और जब मैं जाता था मैं रास्ते में सोचते हुए जाता था कि मैंने जो पढ़ा है उसका क्या अर्थ होगा, उसके लिए मनन करते हुए, उसके लिए चिंतन करते हुए, सोचते विचारते हुए कब कॉलेज पहुंच जाते थे पता नहीं चलता था। कॉलेज में अपनी पढ़ाई की है, फिर लौटते समय भी पैदल ही लौटना है, लौटते समय भी उन्हीं बातों को सोचते विचारते हुए घर चले आते थे। अब तब रास्ते में कुछ प्रकाशन भी मिल जाते थे, कुछ खुलासा भी हो जाता था, तो मुझे वेरीफाई करना पड़ता था वैसा ही लिखा हुआ है कि नहीं। और उन दिनों में हमारे पास ऐसे मोबाइल नहीं होते थे कि क्विक आप खोल कर वेरीफाई करें, उसमें बटन वाले मोबाइल फ़ोन होते थे जिसमें आप बाइबल नहीं देख सकते। तो घर आने के बाद में जब मेरे अंदर कुछ खुलासा हुआ तो मैं सबसे पहले अपना बैग रखकर बाइबल खोलता था,
और मैं उसमें से ढूंढ करके देखता था कि वैसा ही है कि नहीं। और इसी प्रकार से वचन को मैं पढ़ता गया, और जब कुछ समय मैंने पढ़ा हिंदी में तो मेरे अंदर लालसा, क्यों ना इंग्लिश में पढ़ा जाए। फिर इंग्लिश में मैंने पढ़ा, KJV मैंने पढ़ा, फिर मैंने सोचा क्यों ना NIV पढ़ लिया जाए, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, तो मैंने NIV पढ़ ली। फिर मुझे लगा क्यों ना न्यू लिविंग ट्रांसलेशन पढ़ लिया जाए, तो मैंने उसको पढ़ लिया। मैं खुद भी नहीं जानता मैंने कितनी बार बाइबल पढ़ा है, लेकिन मैंने बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, और आज भी पढ़ता हूँ। हालेलुया। और जब मैं पढ़ने लगा, लालसा करने लगा, परमेश्वर ने मुझे सिखाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पहले तो कुछ ग्रुप में लोगों के साथ में मैं सीखता था, लेकिन मुझे लगा कि इससे ज्यादा उन्नति होनी चाहिए। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। 9 सालों तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि बाइबल किस तरीके से पढ़ो, बस इतना बताया गया कि निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो मैंने लालसा किया सीधे 9 सालों तक, बस पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। 2013 ईस्वी में परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया कि बाइबल की व्याख्या किस रीति से करें, जिसको हम लोगों ने अपने दूसरे सेशन में सीखा है ना, आपको याद है कि नहीं, 21 फरवरी 2018 जब मैंने आपको बताया था कि बाइबल की व्याख्या किस रीति से करें। और 2013 ईस्वी में मैंने उस तरीके को समझा और उस तरीके से मैंने पूरी बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने देखा तो पाया कि इसमें तो उन्नति ही उन्नति, इसमें साफ साफ उन्नति की बातें लिखी हुई, इसमें ऐसी अद्भुत बातें लिखी हुई हैं जिसको घुमावदार तरीके से लोग समझने की कोशिश करते और समझ नहीं पाते, और तब मेरी उन्नति होती चली गई। तो मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने लालसा की तो परमेश्वर ने इसके लिए उपाय किया। जब आप लालसा करते हैं परमेश्वर इसके लिए उपाय करता है, लेकिन लालसा तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। अगर लालसा नहीं होगी तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप उससे कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आपकी लालसा ही परमेश्वर से आपको कुछ ग्रहण करवाती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सिर्फ इसी ब्रेकफास्ट की अवस्था तक ना रहें, हम लोग उन्नति करते चले जाएं, उन्नति करते चले जाएं। तो ब्रेकफास्ट से आगे का जो स्तर है उसके लिए जो यूनानी शब्द है वो है नेपियोस, जिसको हम लोग लिखा हुआ पाएंगे इब्रानियों की पत्री और उसके 5वां अध्याय और उसके 13, इब्रानियों की पत्री और उसके 5 अध्याय और उसके 13। यहां पर लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वह बालक है। तो इसके लिए जो बालक शब्द है, उसके लिए जो शब्द है वह है नेपियोस, 13, बेब, लास्ट, ही इज अ बेब, नेपियोस। उसमें लिखा है, दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह नेपियोस है, क्योंकि वह बालक है। वहां पर नहीं लिखा कि वो ब्रेकफास्ट, मतलब नवजात जो अभी अभी पैदा हुआ था वो उससे आगे बढ़ चुका है। शायद 1 दिन गुजर गए होंगे, शायद 2 दिन गुजर गए होंगे, अब उसको दूध पीना आता है। लेकिन उसने कहा कि ये दूध पीने का जो स्तर है ये छोटा स्तर है, हमें इस पर संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जब ये चिट्ठी इब्रानियों की पत्री वो लिख रहा था, जिन लोगों को वो लिख रहा था वो लोग इब्रानी भाषा बोलते थे, और उनको जब वो लिखने लगा तो उसने कहा कि तुम लोग तो ऑलरेडी परमेश्वर के वचन को जानते थे, क्योंकि इब्रानी भाषा बोलते हो, तो पुराना नियम भी तुम लोग कभी ना कभी शब्द के दिन तो सुन ही चुके थे, और उसके बाद तुमने मसीह को भी ग्रहण कर लिया, तो अब इतना समय गुजर गया तो तुमको उन्नति कर जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग उन्नति नहीं कर पाए। और इसी बात को वो यहाँ पर पद लिखता है, अगर हम लोग संदर्भ में पढ़े 11 से तो यहाँ लिखता है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में करने में निपुण हो गई। तो उसने कहा कि इस समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तुम लोगों को अन्न खाने वाले बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग अभी भी दूध पीते हो। उसने वहां के लोगों को चिट्ठी भेजी, तुम्हारी उन्नति नहीं हुई, तुम्हारी स्थिति अभी भी है कि कोई तुम्हें दूध दे, उससे ज्यादा स्तर का भोजन उसको दिया जाए तो उनको समझ में नहीं आता, वो उसको पचा नहीं सकते। लेकिन अगर हम दूध पी रहे हैं आत्मिक रूप से, तो हम लोगों को एक ऐसे स्तर में प्रवेश करना चाहिए जहां हम अन्न खा सकें,
जहां हम उस भोजन को, उस वचन को ग्रहण कर सकें जिसको हमसे नीचे वाले जो दूध पी रहे हैं वो ग्रहण नहीं कर सकते। और ये दूध किस प्रकार की बातें, अगर हम लोग कंटिन्यू पढ़ते चले जाए, पद अध्याय 6 पद 1 लिखते हैं, इसलिए आओ हम लालसा नहीं करते। और वचन की लालसा नहीं करने के कारण वे फिर उन्नति नहीं करते, है ना। बहुत सारे लोग तो पीछे लौट जाते हैं, लेकिन जो जो तरीका हमें दिया गया है वो है आत्मिक दूध की लालसा करो, अर्थात परमेश्वर के वचन की लालसा करो। जब एक छोटा बच्चा होता है और उसको भूख लगती है तब वो रोता है, उसका शरीर उसको महसूस कराता है कि कुछ तो चाहिए, पेट में कुछ जाना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ है वो भूख भूख होता है ये नहीं जानता है, लेकिन वो महसूस करता है, उसके शरीर उसको महसूस कराता है। लेकिन आत्मिक रूप से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको महसूस हो कि मुझे जरूरत पड़ रही है। उसके लिए आपको स्वयं लालसा करनी चाहिए, उन्नति कंपेयर करते जाइए। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो 40 साल की उम्र शारीरिक अवस्था में वो आत्मिक रूप से ब्रेकफोर्स है। इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारा नया जन्म है या जो आत्मिक उन्नति है उसका हमारे शारीरिक उम्र से कुछ खास लेना देना नहीं। वो 40 साल की उम्र में भी जबकि शारीरिक अवस्था के हिसाब से तो वयस्क है, लेकिन आत्मिक रूप से ब्रेकफोर्स होगा, क्योंकि उसने अभी यीशु मसीह को ग्रहण किया, अभी उसने पाया है। तो इससे काम नहीं चलेगा कि मैंने 40 साल बिताए हैं, मैंने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए। आत्मिक रूप से वो ब्रेफोस है, उसको वचन चाहिए। इसको हम लोगों को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म भी उसके वचन से हुआ है, तो हम लोग उन्नति भी पाएंगे तो उसके वचन ही से। और इसलिए उसके वचन को पढ़ना शुरू करना चाहिए। मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया और उसके बाद जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा, 2014 से मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। और जब पहली बार मैंने पढ़ा, मेरे पास में जो बाइबल थी, हमारे पास जो BSI बाइबल है वो नहीं थी, दूसरी बाइबल थी, IBL इंडिया बाइबल लिटरेचर की बाइबल थी। और उसमें जहाँ भी पुराने नियम में यहोवा शब्द आता है उसमें प्रभु करके लिखा हुआ था। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर कहीं पर सार्वजनिक कोई सभा होगी और वहाँ पर मुझसे कहा जाएगा चलो तुम पढ़ो, तो जब मैं पढ़ने लगूंगा तो वहां पर तो प्रभु करके पढ़ दूंगा, क्योंकि बाकियों के बाइबल में तो यहोवा लिखा है, तो ये ठीक नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाइबल में करेक्शन किया जाए, तो मैंने उसमें करेक्शन कर दिया। मैंने पुराने नियम में ढूंढा, जहां जहां प्रभु लिखा है यहोवा होना चाहिए, मैंने वहां वहां मार्क कर दिया। पहली दफा जब मैंने वचन को पढ़ा तो सिर्फ इसीलिए पढ़ा था, और जो जो वाक्य मुझे अच्छे लगे मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। जब छोटा बच्चा दूध पीता है उसको नहीं मालूम कि क्या होता है, लेकिन वो बड़ा उन्नति करता चला जाता है। मैं किसी भी तरीके से वचन को पढ़ रहा था, मेरे अंदर वचन आ रहा था, मैं उन्नति कर रहा था। एक बार बाइबल पढ़कर कंप्लीट हो गया, फिर मैंने सोचा कि अब दूसरी बाइबल ली जाए, नहीं तो करेक्शन करके ठीक कर दिए। दूसरी बाइबल ली जाए, उसको पढ़ा जाए। जब जब मैं दूसरी बार पढ़ने लगा तो मुझे फायदा ये हुआ कि जब पहली बार मैंने पढ़ा था उनमें से बहुत सारी चीजें मुझे याद थी। रेफरेंस भले ही याद नहीं था, मुझे याद था कि वो दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, ऊपर में है कि नीचे में है, मुझे याद था। मुझे उसको ढूंढ कर जरा निकाल लेना पड़ता था। दूसरी बार में मैंने बाइबल पढ़ा, दूसरी बार कंप्लीट हो गई, फिर मैंने फिर से पढ़ा। मैंने सोचा कि बड़ी बड़ी बाइबल मैंने पढ़ ली, अब छोटी बाइबल भी पढ़नी चाहिए क्योंकि लाने ले जाने में सुविधा होती है। लेकिन बड़ी बाइबल पढ़ने के तक कुछ लोगों ने बताया कि तुम इस प्रकार से वचन को मार्क कर सकते हो कि जो भविष्यवाणी है उसको इस कलर से करो, जो आज्ञाएं हैं उसको उस कलर से करो, जो प्रार्थना है उसको उस कलर से करो, वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि ये तो अच्छा आइडिया है, जब अगर पद ढूंढना होगा, मुझे मालूम होगा कि प्रार्थना से संबंधित पद है तो बैंगनी कलर ढूंढ लेंगे तो मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने कलरफुल पेन अपने लिए इकट्ठा कर लिए और मैं ध्यान से देखने लगा कि ये आज्ञा है, भविष्यवाणी है, ये क्या है, और फिर मैंने मार्क करना शुरू किया। मेरे पहले की बाइबलें वैसे ही रंगी हुई हैं, और उसके बाद जो बाइबल अभी मेरे पास है वो भी ऐसे ही रंगी हुई है, चारों तरफ से आप देखिएगा इस पर रंग बिरंगी चीज़ें भरी हुई हैं।
तो मैंने उन सबको ऐसे ही रंग दिया, मैंने लालसा करना आरंभ किया। और 2005 ईस्वी में मेरा एडमिशन हुआ था संजीवियस कॉलेज में, और मैं वहां पर आया जाया करता था। मैं अपनी उन्नति की कहानी थोड़ी आपको प्रकट कर दूं। जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तब मेरे पास में एक साइकिल हुआ करती थी, और जब मैं उस कॉलेज में जाने लगा तो वहां पे कहा गया कि जो सीनियर लोग हैं उनको फेयरवेल देना पड़ेगा, तुम लोगों को आना होगा। तो फिर हम लोग डरे सर में चले गए, इतवार का दिन था, हमें बुलाया गया था। और फिर जब मैं वहां पर चला गया, स्टूडेंट जितने सीनियर थे उनको फेयरवेल दे करके हम लोग निकले, तो मुझे पता चला कि मेरे साइकिल का भी फेयरवेल हो चुका है, मतलब विदाई हो गई, किसी ने चुरा लिया। उसके बाद दोबारा मैंने साइकिल नहीं खरीदी और मैं पैदल ही आना जाना करने लगा। लेकिन जब मैं पैदल आया जाया करता था तो मेरी एक आदत थी, मेरी उन्नति के पीछे जो बातें हैं मैं बता रहा हूँ, मेरी एक आदत थी, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था और उसके बाद मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ जाता था और वचन पढ़ता था। 1 घंटे मैं बाइबल पढ़ता था, 1 घंटे मैं प्रार्थना करता था, और उसके बाद फिर मैं अपने कामों को निपटा करके कॉलेज के लिए निकलता था। और जब मैं जाता था, मैं रास्ते में सोचते हुए जाता था कि मैंने जो पढ़ा है उसका क्या अर्थ होगा, उसके लिए मनन करते हुए, उसके लिए चिंतन करते हुए, सोचते विचारते हुए कब कॉलेज पहुंच जाते थे पता नहीं चलता था। कॉलेज में अपनी पढ़ाई की है, फिर लौटते समय भी पैदल ही लौटना है, लौटते समय भी उन्हीं बातों को सोचते विचारते हुए घर चले आते थे। अब तब रास्ते में कुछ प्रकाशन भी मिल जाते थे, कुछ खुलासा भी हो जाता था, तो मुझे वेरीफाई करना पड़ता था वैसा ही लिखा हुआ है कि नहीं। और उन दिनों में हमारे पास ऐसे मोबाइल नहीं होते थे कि क्विक आप खोलकर वेरीफाई करें, उसमें बटन वाले मोबाइल फोन होते थे जिसमें आप बाइबल नहीं देख सकते। तो घर आने के बाद में जब मेरे अंदर कुछ खुलासा हुआ तो मैं सबसे पहले अपना बैग रखकर बाइबल खोलता था और मैं उसमें से ढूंढ करके देखता था कि वैसा ही है कि नहीं। और इसी प्रकार से वचन को मैं पढ़ता गया, और जब कुछ समय मैंने पढ़ा हिंदी में तो मेरे अंदर लालसा, क्यों ना इंग्लिश में पढ़ा जाए। फिर इंग्लिश में मैंने पढ़ा, KJV मैंने पढ़ा, फिर मैंने सोचा क्यों ना NIV पढ़ लिया जाए, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, तो मैंने NIV पढ़ ली। फिर मुझे लगा क्यों ना न्यू लिविंग ट्रांसलेशन पढ़ लिया जाए, तो मैंने उसको पढ़ लिया। मैं खुद भी नहीं जानता मैंने कितनी बार बाइबल पढ़ा है, लेकिन मैंने बार बार पढ़ा और आज भी पढ़ता हूँ। हालेलुया। और जब मैं पढ़ने लगा, लालसा करने लगा, परमेश्वर ने मुझे सिखाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पहले तो कुछ ग्रुप में लोगों के साथ में मैं सीखता था, लेकिन मुझे लगा कि इससे ज्यादा उन्नति होनी चाहिए, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। 9 सालों तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि बाइबल किस तरीके से पढ़ो, बस इतना बताया गया कि निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो मैंने लालसा किया सीधे 9 सालों तक, बस पढ़ता रहा। 2013 ईस्वी में परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया कि बाइबल की व्याख्या किस रीति से करें, जिसको हम लोगों ने अपने दूसरे सेशन में सीखा है ना, आपको याद है कि नहीं, 21 फरवरी 2018 जब मैंने आपको बताया था कि बाइबल की व्याख्या किस रीति से करें। और 2013 ईस्वी में मैंने उस तरीके को समझा और उस तरीके से मैंने पूरी बाइबल को पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने देखा तो पाया कि इसमें तो उन्नति ही उन्नति, इसमें साफ साफ उन्नति की बातें लिखी हुई है, इसमें ऐसी अद्भुत बातें लिखी हुई हैं जिसको घुमावदार तरीके से लोग समझने की कोशिश करते हैं और समझ नहीं पाते, और तब मेरी उन्नति होती चली गई। तो मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने लालसा की तो परमेश्वर ने इसके लिए उपाय किया। जब आप लालसा करते हैं परमेश्वर इसके लिए उपाय करता है, लेकिन लालसा तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। अगर लालसा नहीं होगी तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप उससे कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आपकी लालसा ही परमेश्वर से आपको कुछ ग्रहण करवाती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सिर्फ इसी ब्रेकफास्ट की अवस्था तक ना रहें, हम लोग उन्नति करते चले जाएं। तो ब्रेकफास्ट से आगे का जो स्तर है उसके लिए जो यूनानी शब्द है वो है नेपियोस, जिसको हम लोग लिखा हुआ पाएंगे इब्रानियों की पत्री और उसके 5वां अध्याय और उसके 13, इब्रानियों की पत्री और उसके 5 अध्याय और उसके 13। यहां पर लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वह बालक है। तो इसके लिए जो बालक शब्द है, उसके लिए जो शब्द है वह है नेपियोस, 13, बेब, लास्ट, ही इज बेब, नेपियोस।
उसमें लिखा है दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह नेपियोस है, क्योंकि वह बालक है। वहां पर नहीं लिखा कि वो ब्रेफोस है, मतलब नवजात जो अभी अभी पैदा हुआ था वो उससे आगे बढ़ चुका है। शायद एक दिन गुजर गए होंगे, शायद दो दिन गुजर गए होंगे, अब उसको दूध पीना आता है। लेकिन उसने कहा कि ये दूध पीने का जो स्तर है ये छोटा स्तर है, हमें इस पर संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जब ये चिट्ठी इब्रानियों की पत्री वो लिख रहा था, जिन लोगों को वो लिख रहा था वो लोग इब्रानी भाषा बोलते थे, और उनको जब वो लिखने लगा तो उसने कहा कि तुम लोग तो ऑलरेडी परमेश्वर के वचन को जानते थे क्योंकि इब्रानी भाषा बोलते हो, तो पुराना नियम भी तुम लोग कभी ना कभी शब्द के दिन तो सुन ही चुके थे, और उसके बाद तुमने मसीह को भी ग्रहण कर लिया, तो अब इतना समय गुजर गया तो तुमको उन्नति कर जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग उन्नति नहीं कर पाए। और इसी बात को वो यहां पर पद लिखता है, अगर हम लोग संदर्भ में पढ़े पद 11 से, तो यहां लिखता है इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में करने में निपुण हो गई। तो उसने कहा कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तुम लोगों को अन्न खाने वाले बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग अभी भी दूध पीते हो। उसने वहां के लोगों को चिट्ठी भेजी, तुम्हारी उन्नति नहीं हुई, तुम्हारी स्थिति अभी भी है कि कोई तुम्हें दूध दे, उससे ज्यादा स्तर का भोजन उसको दिया जाए तो उनको समझ में नहीं आता, वो उसको पचा नहीं सकते। लेकिन अगर हम दूध पी रहे हैं आत्मिक रूप से, तो हम लोगों को एक ऐसे स्तर में प्रवेश करना चाहिए जहां हम अन्न खा सकें, जहां हम उस भोजन को, उस वचन को ग्रहण कर सकें जिसको हमसे नीचे वाले जो दूध पी रहे हैं वो ग्रहण नहीं कर सकते। और ये दूध किस प्रकार की बातें, अगर हम लोग कंटिन्यू पढ़ते चले जाए, पद अध्याय 6 पद 1 लिखते, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। मतलब मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें जो है वो मानो दूध के समान, अर्थात एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हम उसको कुछ आरंभिक शिक्षा देते हैं, हम लोग उसको बताते हैं कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं, हम लोग उसको बताते किस प्रकार परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहिए, किस प्रकार नहीं चलना चाहिए, हम उसको बताते कि अंतिम न्याय क्या है, और भी बहुत सारी बातों को हम बताते हैं। लेकिन ये किन को हम बताते हैं, जो नेपियोस है उनको, और इन नेपियोस को बड़े हो जाना चाहिए, इनको टेक्नियन हो जाना चाहिए, जब वे टेक्नियन हो जाएंगे तो वे अन्न खा सकते हैं, लेकिन वे उस अवस्था तक पहुंचे नहीं, नेपियोस ही है, दूध ही पी रहे हैं। तो जो आरंभ की शिक्षाएं हैं वो दूध के समान, हम लोगों को उससे ऊपर आना चाहिए। और उसने कहा इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और देखिए आरंभ की शिक्षा क्या है, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। उसने कहा मरे हुए कामों से मन फिराना ये आरंभ की शिक्षा है, ये दूध है जो छोटे बच्चों को चाहिए। और उसने कहा मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मे, हाथ रखने और पुनरुत्थान और अंतिम न्याय, ये सब बचपन की शिक्षाएं, इनको हम लोगों को आरंभ में ही जान जाना चाहिए, और इतना आरंभ में जान जाना चाहिए कि बाद में इसको दोहराने की जरूरत ही ना पड़े। हम लोग बड़े हो जाए, और बड़े हो जाए तो इन सारी शिक्षाओं के ऊपर में खड़े हो जाए। लोगों की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है, हम लोग कहते हैं कि उसने तो सालों पहले प्रभु को ग्रहण किया और सालों बाद भी उसको मन फिराने की शिक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि वो मन नहीं फिरा था, अपने कामों, बुरे कामों में लगा हुआ रहता है। तो ऐसी अवस्था होती है कि हो सकता है कि उसने प्रभु को ग्रहण ही नहीं किया होगा, हम लोगों को लगता है कि ग्रहण किया क्योंकि बाहर से वैसे ही दिखता है, क्योंकि तब तो परिवर्तन आ रहा होता। उसने कहा यह सब आरंभ की शिक्षा है, ये दूध है जो छोटे बच्चे को उन्नति देगी। जो छोटा बच्चा है वो अपनी माँ के दूध में से पीता है और उन्नति करता है, और एक समय के बाद वो उस दूध को पीना बंद कर देता है,
उसके बाद वो अन्न खाना सीख जाता है। उस दूध से उसको जितनी उन्नति जितना ग्रोथ चाहिए था उसके शरीर में मिल गया। अब उसके बाद उस दूध की सप्लाई भी बंद हो जाएगी और उसको उन्नति के लिए अन्न खाना चाहिए। कलीसियाओं में एक प्रॉब्लम है, कलीसियाओं ने ज्यादातर लोगों को दूध ही सप्लाई किया है। अगर आप 8 साल के हो जाएं और आपको भोजन में सिर्फ दूध दिया जाए, 20 सालों तक भोजन में सिर्फ दूध दिया जाए, क्या होगा? आप उस प्रकार उन्नति नहीं कर पाएंगे जैसे अभी है। आपको अभी का शरीर पाने के लिए अन्न भी चाहिए। फिर आप दूध पीने वाले सिर्फ रहेंगे, फिर आपको किसी ने समोसा खिला दिया तो हजमा खराब हो जाएगा। कलीसियाओं ने ज्यादातर लोगों को दूध ही सप्लाई की है ना। किसी भी संडे के दिन चले जाइए, वहां पर शिक्षा दी जाएगी, मन फिरा लो, अपने बुरे कामों से फिर जाओ। अब वहां प्रचार करने वाले को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने इनको बोला तो इन्होंने किया होगा। अगले संडे फिर आएंगे, उनको कहेंगे फिर अपने बुरे कामों से फिर जाओ। फिर उनको फिर कॉन्फिडेंस नहीं है कि पिछली बार मैंने प्रचार किया उससे कुछ काम हुआ होगा। वे अभी भी वैसे ही हैं। फिर आएंगे और फिर उनको कहेंगे तुमको अपने कामों से मन फिराना होगा। साल दर साल ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो उन्होंने क्या सप्लाई किया? ये आरंभ की शिक्षा है, मरे वो कामों से मन फिराना, ये आरंभ की शिक्षा है। ये दूध है, अब इस दूध को दिया जा रहा है तो उसकी उन्नति कहां होगी? उन्नति नहीं होगी, उनको अन्न देना होगा। और इब्रानी लोग तो ऐसे थे कि वे अन्न खाने के लायक भी नहीं हुए थे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके लायक हो जाए, क्योंकि वो हम लोगों को परिपूर्ण देखना चाहता है, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त देखना चाहता है, बच्चे के रूप में देखना नहीं चाहता है। और इसीलिए उसने वचन की शिक्षा के लिए आपके लिए उपाय किया, ताकि आप उन बातों को सुनते ना रहे जो आप सालों साल सुनते रहे हैं, लेकिन आप स्टेप वाइज आगे बढ़ते चले जाए, एक एक करके आप उन्नति करते चले जाए। जब तक आप उन्नति की बातों को नहीं सुनेंगे आप उन्नति कर ही नहीं सकते। कुछ दूर जाएंगे फिर कदम ताल ही करेंगे। मैंने जब 9 साल तक बाइबल पढ़ा और बहुत आखिरी में मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं पिछले कुछ समय से कदम ताल कर रहा हूँ। 2004 से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया था। 2004 से जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया 9 साल तक, 2013 तक मैं ऐसे ही पढ़ता रहा जैसे लोग पढ़ते थे, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो और कुछ अर्थ निकाल दो। आखिर मैंने क्या पाया कि मैं कदम ताल कर रहा। शुरू में तो कुछ तो उन्नति हुई, बाद में मुझे लगने लगा कुल मिलाकर मैं आगे क्या सीख रहा, कुछ भी नया तो नहीं, वही बातें हैं, इसको इधर से घुमा के कहते तो कोई उसको उधर से घुमा के कहता है, लेकिन कुछ उन्नति की बात तो प्रकट नहीं हो रही है। और तब मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे वचन को समझने का तरीका दिया था। तो कई बार लोग कदम ताल करते रह जाते हैं, वे चल तो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। उनको लग तो रहा है कि हम चल रहे हैं, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते कि हम 1 साल पहले जहां थे वही हैं कि नहीं। उन्नति करना चाहिए। अगर कदम ताल कर रहे हैं तब तो इसका मतलब है कि वे दूध ही पी रहे हैं, सालों से दूध ही पी रहे, क्या उन्नति होगी? अनसयानों के लिए बड़े हो जाना चाहिए। मैं कुछ कठोर बातें भी कह रहा हूं, है ना। आप लोग तो पिछले कुछ समय से उन्नति के वचनों को सीख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं भी सीखे हों, और हो सकता है हमारे YouTube देखने वाले हमारे बहुत सारे लोग भी होंगे जो सालों से एक ही प्रकार का वचन सीख रहे हैं जो दूध है, और सोच रहे हैं इससे हमारी उन्नति होगी। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग इससे उन्नति करें। पहला कुरिंथ और उसके 3 अध्याय और उसके पद 1, पहला कुरिंथ अध्याय 3 और उसके पद 1, जो व्यक्ति सिर्फ आत्मिक रूप से दूध पीता है, जो नेपियोस है, उसकी उन्नति किस प्रकार से होगी? वो व्यक्ति सीधा सीधा एक शारीरिक व्यक्ति होगा। ठीक है, एक दफा मैंने शारीरिक और आत्मिक व्यक्ति के विषय में आपको बताया था। एक व्यक्ति जिसने नया जन्म नहीं पाया है वो बिल्कुल शारीरिक व्यक्ति है। अगर शारीरिक व्यक्ति है तो इसका मतलब शरीर, उसके प्राण और उसके आत्मा पर हावी है। लेकिन जब उसने नया जन्म पाया तब उसने अपनी आत्मा में नया जन्म पाया, लेकिन फिर भी तुरंत वो इस स्थिति में नहीं आता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर और प्राण को अपने कंट्रोल में, ये धीरे धीरे करके सीखना पड़ता है।
तो जब वो ब्रेफोस हुआ है, जब वो नेबियोस हुआ है, अभी वो छोटा बच्चा ही है, अभी वो छोटा बच्चा ही है, उसको अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं होता है, वो चलता है और लड़खड़ा कर गिर जाता है, वो उठता है फिर गिर जाता है, अभी चलना भी सीख रहा है, उसको अपने शरीर पर काबू नहीं, वो चाहता तो है कि मैं हाथ बढ़ाकर इसको पकड़ लूं, लेकिन कोई दूसरी जगह हाथ चला जाता है। दूसरी प्रकार जो नेपियोस है, उसको अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं, वो चलता तो रहेगा या कुछ तो करेगा, लेकिन शरीर पर वो हावी नहीं होगा, उसकी आत्मा उसके शरीर पर हावी नहीं होगी। और जिस व्यक्ति में जो नया जन्म भी पाया है, लेकिन अगर उसकी आत्मा उस पर हावी नहीं है, तो उसको हम शारीरिक व्यक्ति कहते हैं, बाइबल वैसे ही नाम देती है। Okay? जो शारीरिक व्यक्ति जिसने नया जन्म नहीं पाया, उसमें भी शरीर प्राण आत्मा है, परंतु शरीर शक्तिशाली, आत्मा का नया जन्म नहीं हुआ। जिसने नया जन्म पाया, उसमें भी शरीर प्राण आत्मा है, लेकिन शरीर अभी भी शक्तिशाली है, आत्मा का नया जन्म हो चुका है। परमेश्वर हमें किस स्थिति में देखना चाहता है? वो हमें देखना चाहता है कि आत्मा सबसे शक्तिशाली हो जाए और आत्मा शरीर और प्राण दोनों को नियंत्रण में ले ले। लेकिन जब तक वो नेपियोस है, ऐसा नहीं। जब तक वो नेपियोस है, शरीर ने उस पर हावी किया हो। शरीर के लिए जो यूनानी में शब्द है, वो शब्द है सार्क्स, SARX। इंग्लिश में उसका अनुवाद किया जाता है फ्लैश। कभी भी यूनानी भाषा में, इंग्लिश में आप नए नियम को पढ़ें और उसमें आप कई जगह पाएंगे फ्लैश, ठीक है, और हिंदी में उसका अनुवाद किया गया है शरीर। शरीर के काम तो प्रकट हैं, तो वहां पर लिखा हुआ फ्लैश। फ्लैश मतलब होता है मांस, सार्क्स का मतलब होता है मांस, अर्थात शरीर जो मांस से बना है। और उसका जो अर्थ है वो ये बताया जाता है कि जो शरीर से आने वाला स्वभाव है, जो पापपूर्ण स्वभाव है, वो सार्क्स है। तो जो नेपियोस है, उसका जो व्यवहारिक स्वभाव होगा वो सार्क्स का होगा, वो शरीर का होगा। और जब शरीर का है, तब उसको शारीरिक व्यक्ति कहते हैं। कुरिंथ की स्थिति ये थी। कुरिंथ की स्थिति मुझे बड़ी विचित्र लगती है। अगर आप पहले अध्याय उसके पद 7 को पढ़ेंगे, तो वहां पर कहता है कि तुम में किसी वरदान की घटी नहीं। मतलब कुरिंथ की जो मंडली है, वहां पवित्र आत्मा के बहुत सारे वरदान भी, ठीक है, अन्य भाषा बोलने वाले, अनुवाद करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, चंगा करने वाले, सामर्थ्य के काम करने वाले, ज्ञान के वचन, बुद्धि के वचन, आत्माओं की परख, सब वाले, किसी वरदान की घटी नहीं। लेकिन पौलुस को उनको लिखना पड़ा कि तुम अब भी शारीरिक हो। मैं पिछली बार आपको बता रहा था कि जो वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदान, वो हम किसी क्वालिफिकेशन में पहुंच गए इसलिए हमें मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। वो परमेश्वर के अनुग्रह से दिए जाते हैं। कुरिंथ के लोगों को भी परमेश्वर के अनुग्रह से दिए गए थे, लेकिन कुरिंथ के लोगों के बीच में अभी भी शारीरिक बातें मौजूद थी। वहां पर जितनी समस्याएं थी, दूसरी किसी मंडली में नहीं थी। वहां पर उनके बीच में फूट था, उनके बीच में झगड़ा था, उनके बीच में मुकदमा था, उनके बीच में व्यभिचार था। अब जब कुरिंथ की पत्री को पढ़ेंगे तो पाएंगे, और ऐसी अवस्था थी, और पौलुस को लिखना पड़ा कि तुम अब भी शारीरिक हो। उनके बीच में फूट था और लोग वहां पर अपने आप को, जो कलीसिया थी वो बट गई थी, अपने आप को बांट करके रखे थे। कोई तो अपने को पौलुस का, कोई तो अपुल्लुस का, कोई तो कैफा का, कोई तो मसीह का कहता था। और उस फूट के विषय में लिखते हुए उसने इस प्रकार से कहा, अध्याय 3 और उसके पद 1, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैं तुमसे उस रीति से बातें नहीं कर सका जो थोड़े बड़े हैं, मैं तुमसे उसी रीति से बातें की जैसे बालक लोगों से बातें की जाती। जब छोटे बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, उनको दूसरी बातें सिखाते हैं। जिन बातों को मैं आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, अगर बच्चों को बैठा कर सुनाया जाए तो कब के उबासी लेने लगेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आए। बच्चों को दूसरे ढंग से बताया जाता है। और पौलुस ने कहा, कुरिंथ के लोगों, मैंने तुम्हें बच्चों की तरह ही समझाया सिखाया, क्योंकि तुम बड़े हुए ही नहीं। वरदानों से परिपूर्ण है पर बड़े नहीं हुए। अजीब है ना? लेकिन यही सच है। और उसने कहा पद 2, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। और उसने कहा, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं?
और क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा मैं अपुल्लुस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? सीधे सीधे शारीरिक लोगों के समान तुम्हारी समझ है। अध्याय 1:7 क्या कहता है? तुम में किसी वरदान की घटी नहीं, तुम लोगों में किसी वरदान की घटी नहीं, लेकिन स्थिति क्या है? तुम अब तक शारीरिक हो, तुम दूध पीने के लायक हो, अन्न खा ही नहीं सकते, इसलिए मैंने तुमको कभी अन्न खिलाया ही नहीं, तुमको पता ही नहीं चला कि दूसरा स्वाद क्या होता है, तुम शारीरिक। तो जो नेपियोस हैं, उस कैटेगरी में वो लोग भी आ सकते हैं जिनमें पवित्र आत्मा के वरदान काम करते हैं। आप वरदानों के हिसाब से उसको आंक नहीं सकते कि मुझमें फलाना फलाना वरदान, इसलिए मैं नेपियोस में नहीं आता। नेपियोस कुछ और, नेपियोस वो व्यक्ति है जिसने इस बात को सीखना शुरू कर दिया है कि आत्मा से शरीर पर नियंत्रण हम कैसे करते हैं, और वो संसार की बातों से प्रभावित होना बंद कर रहा। संसार की बातें तो आती हैं, विचार आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, बहुत कुछ आते हैं, लेकिन वो उनसे अप्रभावित होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार होने की कोशिश कर रहे। कोरिंथ के लोग वैसा नहीं कर रहे थे। कोरिंथ के लोग कह रहे थे हम लोग पौलुस ग्रुप हैं, वो लोग कह रहे थे हम लोग अपुल्लुस ग्रुप हैं, वो लोग कहते हैं हम लोग पतरस ग्रुप हैं। बांट लिया कलीसिया, पौलुस ने कह दिया तुम सीधे सीधे शारीरिक हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग यहां से उन्नति करें, और जब हम लोग यहां से उन्नति करेंगे तो अगला जो शब्द होगा जो उन्नति के लिए प्रकट किया गया है वो शब्द है फाइटियन, जो हम लोगों को मिलेगा पहला यूहन्ना और उसके दूसरा अध्याय 13:18। हम लोग इसको ई सोर्ट से देखेंगे, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। पहला यूहन्ना 2:13 13:18 पर 13 को अगर आप देखें, हिंदी में लिखा है हे पितरो मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो, हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, हे लड़को मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान लो, हे लड़को। जो लड़कों के लिए शब्द यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है पाइटियन। आई राइट अनटू यू लिटिल चिल्ड्रन, लिटिल चिल्ड्रन बुझाइए, लिटिल चिल्ड्रन पाइडियन। इंग्लिश में शब्द है लड़कों के लिए जो शब्द है लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, मतलब ये वो लोग हैं जो ब्रेफोस से बड़े हैं नेपियोस, नेपियोस से बड़े हैं पाइडियन, पाइडियन जो अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किए, जो अब चलना फिरना सीख गए, दौड़ धूप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, माता पिता बोलते हैं उनको सुन के समझ सकते हैं, ये है पाइडियन। देखिए पाइडियन से हमारे पास इंग्लिश में शब्द भी है। देखिए इंग्लिश जो है वो लैटिन से आता है, लैटिन ग्रीक से आता है, ग्रीक और लैटिन अगल बगल के। इंग्लिश में अगर आपको मालूम हो शब्द होगा पीडियाट्रिक्स, आपको मालूम है बच्चों से संबंधित जो बीमारियों का अध्ययन करते ये जो डॉक्टर होते शिशु रोग विशेषज्ञ उसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक्स। तो पीडिया वहां कहां से आया? इसी पाइडियन से आया। ये वो लोग हैं जो इनसे थोड़ा बड़े हैं, और इनके विषय में जो गुण प्रकट किया गया है वो ये है मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो, तुम पिता को जान गए हो। अब वो पिता को जानने लगे, पिता को जानना ये सिर्फ शब्दों से जानना नहीं, हम जानने के विषय में बाद में डिटेल से बातें करेंगे। जो जानना है वो उसको अनुभव से जानना है। हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं और उसके बारे में जानते हैं, किसी के बारे में जानना और किसी को जानना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर हम लोग अपने राज्यपाल के विषय में बातें करें तो मैं आपको पूछूंगा कि उसका नाम क्या है, हो सकता है आप बता दें। मैं आपको पूछूंगा उसकी उम्र क्या है, आप नहीं बता पाएंगे। मैं आपको पूछूंगा उसको खाने में क्या पसंद है, आप नहीं बता पाएंगे। तो आप उसके बारे में कुछ कुछ जानते हैं जितना पेपर में छपा जाता है, लेकिन आप उसको नहीं जानते, व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानते। उसी प्रकार परमेश्वर के बारे में जानना अलग है, यीशु के बारे में जानना अलग है। हम सारी कहानी जानते होंगे, बैतलहम में पैदा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अंधे को चंगा किया, लंगड़े को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मर गया, गाढ़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में बैठा है, वगैरह 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 सब जानते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते हैं।
जब तक हम उसके बारे में जानते हैं हमको लाभ नहीं, लेकिन जब हम उसको जानते हैं अनुभव से, अगर वो पैदा हुआ तो हमारा उससे क्या लाभ है, अगर उसने ये काम किए तो हमारा उससे क्या संबंध है, अगर वो मर गया उससे हमारा क्या संबंध है। हम इसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का जो जानना है उस जानने के विषय ही कहता है। तुम पिता को जान गए, अब पवित्र आत्मा इस काम में हमारी सहायता करता है कि हम पिता को जान सके। अगर आप यूहन्ना उसके अध्याय 17 पद 3 को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे पिता से, और वे कह रहे थे कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। उसने कहा अनंत जीवन यह है कि वे तुझे और मुझे जाने। अनंत जीवन का मतलब यह नहीं है कि हमेशा जिंदा रहते, नरक में भी लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, ठीक है। अनंत जीवन का मतलब हमेशा जिंदा रहना नहीं, हम अनंत जीवन का मतलब है पिता को जानना और यीशु मसीह को जानना। कैसे जानना? अनुभव से जानना। जब हम लोग अनंत काल में पिता के सामने समय बिताएंगे, जब इस पृथ्वी को छोड़ चुके होंगे, शारीरिक बातें कुछ भी नहीं होंगी, संसार हमें प्रभावित नहीं करेगा, और हम स्वर्ग में होंगे, पिता हमारे सामने होगा, तो क्या हम बोर नहीं होंगे? सब एक समान। आप जब स्वर्ग के विषय में कल्पना करते तो कैसे कल्पना करते हैं? कौन सा रंग दिखाई देता है? सफेद। और वहां पर क्या दिखाई देता है, मतलब क्या कल्पना होती? लोग घुटना टेके हुए हैं, हाथ उठाए हुए हैं, खड़े हैं, पिता सामने विराजमान। अनंत काल तक ऐसे ही चलते रहेगा, आप बोर नहीं होंगे? लेकिन उसने कहा अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो अनंत काल में हम उसको जानते चले जाएंगे, जितना हम जानते हैं अभी उससे बेहतर हम जानेंगे। तो जितना समय हमारा गुजरेगा हम और बेहतर जानेंगे, और जितना ज्यादा हम जानेंगे उतना ज्यादा हम आनंदित होंगे। हालेलुया। वहां हमारा एक भी सेकंड बोरियत का नहीं होगा, क्योंकि हम उसको बेहतर जानेंगे। लेकिन ये तो तब की बात है जब हम वहां पर होंगे, जब संसार में प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन संसार में आत्मिक रूप से जो पाइडियन है वो वही है जो संसार में रहते हुए उसका अनुभव प्राप्त करता है, उसके साथ एक अनुभव में बढ़ता है, उसको अनुभव करने के लिए वो उसके साथ समय बिताता है। किसी को भी आप जानना चाहते हैं तो आप उसके साथ में चले जाइए, उसके साथ उठिए बैठिए, उसके साथ बातचीत कीजिए, उसके साथ रहिए, फिर आप पूरा डिटेल बता दें वो क्या कहाँ आता जाता है, कौन कौन उसके दोस्त हैं, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वगैरह वगैरह, उसकी सारी गुप्त बातें भी आप जान जाए। लेकिन उसके लिए आप उसके साथ समय देंगे तभी संभव। तो पिता को जानने का अर्थ है कि हम उसके साथ समय देते हैं और उसके साथ अनुभव से हम ज्ञान बटोरते हैं। और ये एक ऐसा ज्ञान होगा जिसको कोई जरूरी नहीं कि हम शब्दों में बता सके, लेकिन वो हमारे अनुभव में समाहित होगा। देखिए यूनानी भाषा में जानने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। एक शब्द है वह ग्नोसिस, जिस प्रकार का ज्ञान हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वह ग्नोसिस, जिसको हम लोगों को लिखा पढ़ा कर बता दिया जाता है और कह दिया गया कि दुनिया गोल है। तो कभी तो आपने जाकर नहीं देखा दुनिया गोल, तो आपको ग्नोसिस दे दिया। उन्होंने कह दिया कि गुरुत्वाकर्षण हमें पृथ्वी की तरफ खींचती है, ये ग्नोसिस। कभी तो आपके मन में ख्याल नहीं आया था कि सेब क्यों गिरता है, वो तो किसी और के मन में आया था, तो आपको ग्नोसिस दिया गया। उन्होंने बताया कि फलाने हल्दी घाटी की लड़ाई में फलाना जीता था और फलाना हार गया था, ग्नोसिस। उसी प्रकार बाइबल से भी बहुत सारी बातें आती, आप जानते 66 पुस्तकें, ग्नोसिस। मत्ती साथ साथ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो, ग्नोसिस। जानना एक प्रकार का ग्नोसिस। दूसरे प्रकार का जानना वो है जिनोस्को। जिनोस्को में अनुभव से जानना शामिल होता है। एक और प्रकार का जानना है, यूनानी शब्द है आइडो या ओइडा, दोनों उच्चारण करते हैं। फिर एक और शब्द यूनानी में है वह एपिग्नोसिस। फिर एक और शब्द ज्ञान के लिए यूनानी में है एपिजिनोस्को। और हमारे पास जानने के लिए क्या शब्द है? ज्ञान, जानना, पहचान। बस
उनके पास डिक्शनरी में ज्यादा शब्द है, और उसको सोचिए हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया तो कितना सटीक किया होगा, उनके पास कई शब्द। तो हम जब परमेश्वर को जानते हैं, ये जिनोस को है, वहां के लिए जो जानने के लिए जो शब्द है, ये नो नो द फादर, ये हैव नोन द फादर, नोन के पास कोई नहीं है। नोन के पास ना आप जाएंगे ग्रीक शब्द, तो वो है जिनोस, जिनोस को अनुभव से जानने की बात है। अब हम परमेश्वर को अनुभव से जानते हैं, हम सिर्फ उसको अनुभव नहीं, किसी ने हमें कह दिया कि परमेश्वर प्रेम है ना, तो हमने रट लिया परमेश्वर प्रेम है, गीत गा रहे हैं परमेश्वर प्रेम है, लेकिन आपका अनुभव कहता है क्या? आंखों में तो आंसू है और कह रहे हैं परमेश्वर प्रेम है, मुंह तो उतरा हुआ है और कह रहे हैं परमेश्वर प्रेम है, स्टेटस अपलोड कर रहे हैं फीलिंग लोनली और कह रहे हैं परमेश्वर प्रेम है। तो सब नेपियोस हैं, उनको ग्नोसिस मिला हुआ है, जिनोस को नहीं है, उनको अनुभव नहीं है, वो बस उसको वाक्यों के रूप में रख लिए। इस प्रकार के जानने से क्या लाभ? हम उसको अनुभव से जानना चाहते हैं कि परमेश्वर वाकई प्रेम है, हम उसके प्रेम को अनुभव करते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर सामर्थी है, हम उसकी सामर्थ को अनुभव करते हैं। हम कहते हैं यीशु चंगा करता है, हम उसकी चंगाई को अनुभव करते हैं। जितनी बातें हमने उसके विषय में सुनी, हम उसको अनुभव करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि उन्नति हो रही है, हम उसका मतलब है कि हमारा विश्वास भी उन्नति किया होगा, तब जाकर हम इसको अनुभव कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो मुख्य सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, वो है उसके साथ समय बिताइए। आप उसके साथ समय बिताइए, स्पेशल समय बिताइए, आप एक्सक्यूज मत दीजिए, नहीं समय नहीं मिलता है इसलिए हम चलते फिरते ऐसे उठते बैठते कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी हो गया, वो कभी कभी के लिए उसको रखिए, रेगुलर बेसिस के लिए वो नहीं होना चाहिए। आपको सारी व्यवस्थाओं में उसके लिए समय निकालना चाहिए। इस सप्ताह, मई के महीने के इस सप्ताह, मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा व्यस्त हूं, इतना ज्यादा व्यस्त मैं कभी नहीं था इतना ज्यादा व्यस्त मैं कभी नहीं था, लेकिन मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया कि मुझे परमेश्वर के पास बैठने के लिए समय नहीं है। आज भी सुबह के समय मैं परमेश्वर के साथ में बैठा, प्रतिदिन बैठना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए। हो सकता है किसी दिन आप कम देर तक बैठ सके, लेकिन आप दिन में जाइए, दिन भर प्रभु से बातचीत करते रहिए, दिन भर उसकी उपस्थिति को अनुभव करते रहिए, दिन भर आत्मा में रहिए, उसके लिए कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए। तो जो पाइडियन है वो अपने आप को इस स्थिति में रखने की कोशिश कर रहा है, और जब इस स्थिति में रखने की कोशिश कर रहा है तो शरीर उस पर हावी नहीं होगा, बल्कि वो शरीर पर हावी होने लगेगा। हम लोग उन्नति कर रहे हैं, हम लोग नेपियोस से ऊपर निकला है, उसी प्रकार हम लोग एक और पद निकालेंगे, पहला कुरिंथ अध्याय 14 और उसके पद 20। पहला कुरिंथ अध्याय 14 और उसके पद 20, यहां पर लिखा है, हे भाइयों तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सयाने बनो। अभी वो पाइजियन है, अभी वो बहुत सारी बातें सीख रहा है, दुनिया में वो आए हुए, उसको मुश्किल से कुछ साल गुजरे हैं, उसको नहीं मालूम क्या क्या होता है, क्या भला है क्या बुरा है, उसको ढंग से नहीं मालूम, बस वो लोगों को देखता है सुनता है और उसके अनुसार सीखता है। तो उसने कहा हम आत्मिक रूप से सीखते हैं, और हमको हमसे अपेक्षा की गई है कि हम समझ में बालक ना रहे, बुराई में बालक रहे परंतु समझ में सियाने बने। हम लोग इसको इस ओर से देखें, और उसमें क्या लिखा है, वहां जो यूनानी शब्द, पहला कुरिंथ अध्याय 14 और उसके पद 20, ब्रदरन बी नॉट चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग। चिल्ड्रन के लिए जो शब्द है वो है पाइडियन, मतलब वे ऐसे हैं जिनको खास समझ नहीं, अभी वो सीख रहे हैं, अभी फर्क करना नहीं जानते, लेकिन अभी वो सीख रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि तुम इस प्रकार से हो जाओ कि बुराई में तो तुम बालक रहो, बुराई के लिए तो तुम नेपियोस रहो, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन समझ में तुम लोग टेलियोस हो जाओ।
हम लोग यूनानी में इसको पढ़ते हैं, हे भाइयों तुम समझ में पाइडियों न बनो, बुराई में तो नेपियोस रहो, परंतु समझ में टेलियोस हो जाओ। ठीक है, टेलियोस, टेलियोस का अर्थ होता है जो परिपूर्ण हो। तो उसने कहा बुराई में पाइडियोन रहो, सॉरी नेपियोस रहो, बुराई में छोटे बच्चे, मतलब तुमको पता ही नहीं कि बुराई कैसे होती है, और समझ में सयाने बनो, समझ में परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम इसी रीति से उन्नति करते जाए और हम लोग नेपियोस से पाइडियोन के स्तर में आ जाए। लेकिन परमेश्वर ने इसी को फाइनल स्तर नहीं रखा, इसके ऊपर कुछ है। अब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं बच्चे, हम लोग उनको स्कूल भेजते हैं, बाकायदा वो सिस्टमेटिक बहुत सारी बातें उनको सीखते हैं, क खा से शुरू करते हैं और क से किंग कर्तव्य विमूढ़ तक सीखते हैं, है ना। हम लोग पहला यूहन्ना देखें, दूसरा अध्याय और उसके पद एक, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और उसके पद एक, वहां पर वो शब्द मिलेगा जो टेक्नियोन, पाइडियोन से बढ़कर है टेक्नियोन। वहां लिखा है, हे मेरे बालको मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह। उसने कहा हे मेरे बालको माय लिटिल चिल्ड्रन, और उसके लिए जो यूनानी शब्द है वो है टेक्नियोन। अब ये वे लोग हैं जो कुछ सीख रहे हैं, हालेलुया। अब ये लगभग स्कूल जा रहे हैं, जो आधी शिक्षा सीख रहा था वो तो नेपियोस था, मन फिराने की शिक्षा, लेकिन अब ये उसके ऊपर की बातें सीख रहा है, यही पाइडियोन भी नहीं है, ये टेक्नियोन है। अब ये उसके ऊपर की बातें सीख रहा है और उसको सिखाया जा रहा है और ये बता रहा है कि यदि तुम पाप करते हो तो हमारे लिए एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अब उसके ऊपर की शिक्षाओं को दिया जा रहा है उसको, अब उसको बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने हमारे छुटकारे, हमारे बचाव के लिए किस किस प्रकार के उपाय उनको किया है। अब उसको बताया जा रहा है कि मसीह में तुम कौन हो, मसीह में तुम्हारी पहचान क्या है, तुम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हो, तुम यीशु मसीह में पवित्र किए गए हो, तुम यीशु मसीह के संगी वारिस हो, और बहुत सारी बातों को उसको दिखाया जा रहा है। जैसे कि एक छोटा बच्चा, मान लिया वो एक राजा के घर में पैदा होता है, और जब वो बड़ा होने लगे, जब वो स्कूल जाने लगे, तो उसको बहुत सारी बातों की शिक्षा दी जाएगी। उसके अलावा उसके जो गुरुजन है वो उसको बताएंगे कि तुम राजकुमार हो और ये जो राज है असल में तुम्हारा ही है, अभी तुम मेरे अधीन में आकर सीख रहे हो, लेकिन तुम जान जाओ एक दिन ये तुम्हारे अधीन में हो जाएगा, मैं भी तुम्हारे अधीन में हो जाऊं, ये राज तुम्हारा है और उस दरवाजे के पीछे जो खजाना है वो भी तुम्हारा ही है, और उस सिंहासन पर बैठ करके तुम जो भी बोलोगे वो होगा, वो जो सेना है वो तुम्हारी ही है, इसके साथ तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, तुम्हारा कुछ अधिकार बनता है, सब कुछ तुम सीख लो, समझ जाओ। तो वो टेक्नियोन है, वो सीख रहा है बहुत सारी बातें। तो मसीह में आने के बाद भी बहुत सारे लोग टेक्नियोन तक नहीं पहुंच पाते कि मसीह में उनको क्या मिला। उनको लगता है हम पाप करते हैं हम धर्म के काम, हम पाप करते हैं हम धर्म के काम, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, हमको कुछ पोजीशन दिया गया कि नहीं दिया गया कुछ पता ही, लेकिन हमें दिया गया क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में उत्पन्न हुए। हमने कहा राजा के घर में जो पैदा हुआ बच्चा है लोग उसको कहेंगे तुम राजकुमार, लेकिन जो परमेश्वर के घर में पैदा हुआ है उसके विषय में क्या, उसको कोई तो बताने वाला हो कि तुम्हारी आत्मिक स्थिति क्या है, कि तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर, तुम पुराने नियम के सब नबियों से बढ़कर। जब मैं नहीं जानता था तो मैं सोचता था प्रभु मुझे मूसा के समान बनाइए, मुझे एलिया के समान बनाइए। जब परमेश्वर ने सिखाया तो मुझे पता चला कि मूसा और एलिया कहते होंगे कि मुझे उसके समान बनाइए, क्योंकि आत्मिक रूप से जो दर्जा हर एक विश्वासी को दिया गया वो ज्यादा है। आप लोगों को याद होगा जो मैंने सिखाया था, यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लोगों से पूछा वो कौन था, क्या वो भविष्यवक्ता था, हाँ वरन भविष्यवक्ता से भी बड़ा था, और उसने कहा परंतु जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा सारे भविष्यवक्ताओं में बड़ा है और परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा उससे भी बड़ा है। तो जितने भविष्यवक्ता हैं पुराने नियम के उनको एक तरफ रखिए, हम लोग उनसे बड़े हैं, हमारा पोजीशन यही है, लेकिन हम लोगों ने उसको जाना नहीं, हम लोगों ने अपने आप को असहाय देखा, हमको लगा हमारी सहायता, हम गिड़गिड़ाएंगे रोएंगे दुख उठाएंगे तब परमेश्वर उसको तरस आएगा तब वो देगा, नहीं वो ऑलरेडी इतना दुख उठा चुका है, आप क्यों दुख उठाएं,
आप अपना अधिकार जानिए, विश्वास जानिए और आगे बढ़ जाइए। लोग उसको नहीं सीख पाए, ये टेक्नियों नहीं सीखने की बात। और पिछले समय तक हम लोग बहुत सारी बातों को सीखे, मसीह में जो हमारी पहचान है उसके विषय में सीखे, ये टेक्नियों था, टेक्नियों की बातें हम सीख रहे थे। हम अपने अधिकार को सीख रहे थे कि हमें किस किस पर अधिकार मिला। बहुत सारे मसीह दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। हमने क्या सीखा? यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया गया, उठाया गया, स्वर्ग स्थान में बैठाया गया। और हमने ये वचन पढ़ा था कि हम भी उसके साथ जिलाए गए, उठाए गए और स्वर्ग स्थान में बैठाए गए। यीशु मसीह कहाँ बैठा है? सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और हर एक नाम के ऊपर जो इस लोक में है और आने वाले लोक में लिया जाएगा, उसके ऊपर बैठा। तो हम कहाँ बैठे? हम भी सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और हर एक नाम के ऊपर में बैठे। हम सबके ऊपर में बैठे। लोग कहते हैं वो बड़ा दुष्ट आत्मा है, थोड़ा डरो, जितना भी बड़ा होगा हमसे नीचे ही, छोटे ही। लोग नहीं जानते और अज्ञानता के वजह से कांपते डरते, दुष्ट आत्मा पर हावी होती। लेकिन हमें अपना अधिकार जानना चाहिए कि हम है कौन और हमें राज्य करना चाहिए। सीखना कहीं से तो शुरू करना होगा। जब हम सीखेंगे तब हम उस अधिकार को काम में लाएंगे, और जब काम में लाना शुरू करेंगे तो हम लोग उसके बाद वाले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। शुरू में जब हम सीखते हैं तब धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसके प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट। हमारे सीखने में हमेशा प्रैक्टिकल पार्ट होता है, ठीक है। हम लोग थ्योरी कभी हमेशा नहीं पढ़ते, किसी थ्योरी पढ़ लिया और हमको रिटर्न एग्जाम देना है, ऐसे कुछ नहीं। हम लोग थ्योरी के रूप में पढ़ते सुनते वचन को, लेकिन उसको परखते हैं या उसको आजमाते हैं प्रैक्टिकली। जो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं उनके सामने हम उसको आजमाते हैं और उस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल क्लासेस में भी जो पहला स्टूडेंट गया है उसको भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, तो उसको पहली बार में ढंग से नहीं आएगी। उसको हम कहेंगे देखो लेंस यहाँ से देखो उधर, और तुमको वो पिन दिखाई देनी चाहिए, फिर दूसरी पिन तुम उसके सीधे में गाड़ना। पहली दफा जब वो करने लगेगा तो उसको आंख में दर्द हो जाएगा, लेकिन जब वो रोज रोज करने लगेगा तो एक ही बार में कर ले। उसी प्रकार टेक्नियन जब वो सीख रहा है, हो सकता है कि पहली बार में गलती करे, दूसरी बार में गलती करे, लेकिन जब वो बार बार करेगा तो सिद्ध हो जाएगा। और हमने इब्रानी में क्या पढ़ा था, पद अध्याय 6 उसके 1 में, कि हम मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते चले, हमको उन्नति करते चले जाना चाहिए। बहुत सारे लोग मौसम, जो परिस्थितियां हैं, जो सरकारें हैं, इन सब के सामने असहाय मालूम पड़ते और वे लोग प्रार्थना करते प्रभु हमारे पक्ष में कर दे, हमारे लिए कर दे। वे नहीं जानते कि उनको अधिकार क्या दिया गया है। अगर उनको अधिकार दिया गया है, वो उनको मालूम होगा, तो वे इन परिस्थितियों को मोड़ करके अपने लिए लेकर आएंगे। हालेलुया। वो व्यक्ति अपने अधिकार को जानने लगता है, इस बात को जानने लगता है कि मैं परमेश्वर के घराने में पैदा हुआ हूं तो मुझे ये अधिकार है। और जब उसको सीखता है, वो ऐसी स्थिति में आता है जब उसको उस पर कोई संदेह नहीं रहता है। जब शुरुआत करेंगे तब आपको संदेह भी आएगा, पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन आप करते चले जाइए, आप उस पर पक्के होते चले जाइएगा, फिर आपका संदेह मिट जाएगा। आप उस कॉन्शियसनेस में चलेंगे, उस चेतना में आप चलेंगे। शुरू में आपको जबरदस्ती उस पर ध्यान देना पड़ रहा है, ध्यान दे करके, सोच सोच करके, मन लगा करके, फिर आपको करना पड़ रहा है, लेकिन आप करते करते जब एक दिन सीख जाए तो आप उसी स्वभाव में चलने लगेंगे। फिर आपको कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, कोई परिस्थिति का किसी प्रकार का जोखिम आपको घबराएगा नहीं, मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे, सारी चिंताएं चली जाएंगी। हालेलुया। विश्वास के साथ में आप बोले ना, और कोई अविश्वास की बातें करे उसके लिए तर्क दे, नहीं ऐसा इसलिए वैसे हो जाएगा, तो आप उसको उल्टा पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपके विश्वास को हिला नहीं पाए। आप मजबूत बने रहे टेक्नियों। उसी रीति से हम लोग पढ़ सकते हैं इसी दूसरे अध्याय और उसके 12 पद, वहां पर लिखा है, हे बालको मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे टेक्नियन मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। बहुत सारे ऐसे हैं जो इस विषय को नहीं जानते कि उनके पाप क्षमा हो गए हैं, लेकिन जो टेक्नियन है वो इन बातों को जानते हैं। पद 18, हे लड़को यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। हे लड़को, उसका हे टेक्नियन तुम इस बात को जानते हो। वो बहुत सारी बातों को जानने लगता है ना, कोई एक ही बात नहीं, तुम जानो
यीशु मसीह तुम्हारे लिए है, तुम जानो तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, तुम जानो मसीह विरोधी आने वाला है। तो बहुत सारे विषय पर जानते, बहुत सारी चीजों को सीखने लगते हैं। और उसी प्रकार तीसरा अध्याय उसके पद 7 को देखिए, वहां पर लिखा है, हे बालको किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी। हे टेक्नियन, उसी प्रकार तीसरा अध्याय उसके पद 18, हे बालको हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। वो प्रेम करना सीख रहा है, उसको व्यवहार में लाना सीख रहा है। अब उससे उसके लिए शब्द वाला ज्ञान नहीं कि उसने उसको याद कर लिया एग्जाम में लिखना है, ऐसी बात नहीं। अब वो व्यवहार में सीख रहा है, सिर्फ उसकी जुबान पर नहीं है, उसके मन में सिर्फ वो याद नहीं है, लेकिन वो उसके व्यवहार में सीख रहा है। उसको कहा जा रहा है कि तुम इसको सीखो। 5वां अध्याय उसके पद 21, हे बालको अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हे टेक्नियन अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। इस संसार में बहुत सारी बातें आएंगी जो हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देने से रोकेंगी। देखिए, हम लोग जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम लोग मूर्तों से दूर चले जाते हैं, और उसके बाद लोग सोचते हैं कि नहीं, हम किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं करते। दरअसल मूर्त क्या थी, लोग उसको परमेश्वर का दर्जा दे देते थे, और जो परमेश्वर का दर्जा मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिल पाता था। तो इस संसार में वो हर एक वस्तु जो हमारे और परमेश्वर के संबंध से ज्यादा महत्व रखने लगी है वो मूर्त के समान है ना। हो सकता है कि वो मोबाइल फोन हो, है ना। जितना समय हम प्रभु को नहीं दे पाते हैं उससे ज्यादा 4 गुना समय मोबाइल फोन को दे सकते हैं, तो हमारे लिए मूर्त के समान होगी। लेकिन जो टेक्नियन है वो इस बात को सीखेगा कि हम इससे बचे रहे, हम परमेश्वर को महत्व दें। मैंने अपने जीवन में इस बात का निर्णय लिया कि जब मैं उठूंगा तो सबसे पहले जिसके साथ बातें करूंगा वो परमेश्वर होगा, जब मैं सोऊंगा तो सबसे अंतिम जिसके साथ बातें करूंगा तो वो परमेश्वर होगा, जब मैं पढ़ूंगा तो जो सबसे पहली चीज मैं पढ़ूंगा वो बाइबल होगी। पढ़ने के लिए और भी बातें आ सकती है, व्हाट्सएप में मैसेज आ सकता है, न्यूज़पेपर आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन निर्णय आपको करना चाहिए कि आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे। सारी चीजों में परमेश्वर प्रथम स्थान में होना चाहिए। टेक्नियन इन बातों को करता है और उससे उम्मीद की जा रही है कि वो करे। और इसी प्रकार हम लोग गलातियों की पत्री और उसके 4 अध्याय को देखें, पद 19, गलाती 4 और उसके 19, पौलुस क्या कहता है। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। हे मेरे बालको, हे मेरे टेक्नियन, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, क्योंकि अभी तो वो स्कूल जाता है, अभी तो वो बहुत बातों को सीख रहा है, अभी तो वो मसीह के पूरे डील डॉल में नहीं बढ़ा है, अभी वो पूरी तरीके से जवान नहीं हुआ है, अभी उसके मसल दिखाई नहीं देते हैं, है ना। अभी जो उसका शक्ल, उसकी शक्ल सूरत, उसकी जवानी और उसकी सुंदरता पूरी रीति से दिखाई नहीं देती, अभी वो छोटा ही, अभी वो बढ़ रहा है। और वो कह रहा है कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, अर्थात ये टेक्नियन वाली स्थिति भी कंप्लीट स्थिति नहीं, हमें इससे उन्नति करना चाहिए और मसीह का रूप बनना चाहिए कि जिस रीति से यीशु मसीह इस धरती पर चला फिरा मैं भी वैसे ही चल फिर सकूं। यीशु मसीह इस धरती पर जब चल फिर रहे होंगे तो उसकी मेंटालिटी क्या थी, वो किस बात से घबराता था, किस बात से डरता था। जब आंधी आ रही हो, जब तूफान आ रहा हो, जब 5,000 की, जब हजारों की सेना उस व्यक्ति के अंदर मौजूद हो दुष्ट आत्मा के रूप में, जब शैतान खुद परीक्षा करने के लिए सामने आ रहा है, लोग धमकी दे रहे हैं, कोई तो कह रहा है कि हेरोदेस कह रहा है कि तुमको पकड़ के मार डालेंगे, यीशु मसीह की मेंटालिटी क्या थी। हम वही डील डॉल प्राप्त करना चाहते हैं। यीशु मसीह समस्या को किस नजर से देखते थे, पिछली दफा पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, बहुत जगह मैं बताता रहता हूं भूल जाता, समस्या को किस नजर से देखते थे और हम किस नजर से देखते हैं। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा, हम रास्ते में चलते रहते हैं, हमारे रास्ते में शैतान एक टूथपिक गिरा देता है। टूथपिक जानते हैं, जैसे दांत हम लोग साफ करते हैं अगर कुछ फंस गया है, टूथपिक गिरा देता है और उसके बाद एक लेंस बगल में छोड़ देता है। फिर हम लोग उस लेंस को उठाते हैं और फिर उस टूथपिक को देखते हैं और बड़े गौर से उसको देखते हैं और हमको बड़ा दिखाई पड़ता है ना? और हम कहते हैं, अरे ये तो बैट बॉल वाला
हिट करने वाला है, इससे चोट लगेगी तो हड्डी टूट जाएगी, इससे चोट लगेगी तो हम चलने लायक नहीं रहेंगे, वगैरह वगैरह, जबकि असल में वो टूथपिक रहता है। समस्या को हम शैतान की नजर से देखते हैं, वो हमको भारी लगती है, वो हमको बड़ा लगता है और फिर हम उससे दब जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या सिखाया, जब तुम्हारे सामने पहाड़ हो तो पहाड़ से कहो उखड़ कर समुद्र में चला जा और तुम्हारी बात मान लेगा। यीशु मसीह की मेंटालिटी कुछ और थी। याइर यीशु मसीह के पास आया था और उसे कह रहा था कि जरा मेरे घर चलिए, मेरी बेटी मरने पर है, तो उस पर हाथ रखेगा तो वो ठीक हो जाएगी। जब यीशु मसीह जा रहे थे, भीड़ में बहुत सारी घटनाएं घट गई और उसकी बेटी मर गई। याइर इसलिए कि आराधनालय का सरदार था, उसके घर से कुछ लोग रिपोर्ट देने के लिए आए, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को दुख ना दे। अब आके क्या फायदा, अगर जिंदा रहती तो वो कुछ कर सकता था क्योंकि बीमारों को चंगा करता है, लेकिन वो मर चुकी है, वो क्या करेगा। उसने याइर से कहा मत डर। और जब वो वहां पर गया तो वहां पर लोगों ने फौज इकट्ठा करके रख लिया था, वहां पर भाड़े में रोने वाले लोग भी आए हुए थे, आप वहां पर पढ़ सकते हैं, बांसली बजा बजा कर विलाप का धुन निकाल रहे थे कि जिसको रोना नहीं आ रहा है उसको भी रोना आ जाए। मातम का पूरा माहौल छाया हुआ था और यीशु मसीह जब वहां पर गए तो सब मुर्दनी छाई हुई थी, सब रो रहे थे, कलप रहे थे, सारी आशा जाती रही, बच्ची मर गई, बड़ी हो जाती, शादी हो जाती, ब्याह हो जाता, बच्चे होते, उसके बाद मरती कितना ठीक रहता, अभी मर गई, जिंदगी क्या देखा था इसने, अफसोस ही अफसोस। कितने लोग तो क्योंकि भाड़े में रोने के लिए आए, थूक लगा लगा कर रो रहे होंगे, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे होंगे। यीशु मसीह जब वहां पर गए, उसने सबको आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया और उसने क्या कहा, लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, तुरंत वहां लिखे लोग उसकी हंसी करने लगे, मतलब उनका रोना तुरंत हंसी में बदल गया, सब दिखावा कर रहे थे, वहां माहौल खराब कर रहे थे, माहौल को भयानक बना रहे थे। यीशु मसीह ने सबको आउट कर दिया, उसने कहा लड़की मरी नहीं है, सो रही, अगर मैं देखूं कि वो मर गई है तब तो असंभव लगेगा, मैं क्यों सोचूं कि वो मर गई, सो रही है, सोते हुए को कैसे जगाते हैं, जस्ट आवाज देते हैं जग जाती है, मैं वैसे ही इस लड़की के साथ करूंगा। फिर भीतर गया, उसने कहा लड़की का हाथ पकड़ कर कहा तलीता कूमी, लड़की उठ, किसी सोते हुए को कैसे जगाते हैं, और लड़की उठ गई। उसने समस्या को भयावह नजर से नहीं देखा, उसने उसको आसान नजर से देखा। जब लाजर मर गया था, यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, पहुंचने से पहले चेलों से कहा मेरा हमारा मित्र लाजर सो हो गया है। लाजर जब बीमार था तो यीशु को खबर दी गई थी, यीशु मसीह ने कहा तब तक नहीं गए, जब मर गया, मरने की न्यूज आ गई तो उन्होंने चेलों को कहा हमारा मित्र लाजर सो हो गया है, चलो उसके पास चले। तो लोगों को समझ में नहीं आया, लोग कहने लगे अगर वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। तब यीशु मसीह ने बता दिया हकीकत यह है कि वो मर गया है, मेरी नजर से देखो वो सो रहा है। फिर वो कब्र के पास में गए, मरियम विलाप करने लगी, मरथा विलाप करने लगी, किसी ने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और उन्होंने कहा हाँ एक दिन जिएगा, अंतिम दिन में जी के उठेगा, मालूम है ना, अभी जी के उठेगा इसका विश्वास नहीं, तू अगर यहां होता तो नहीं मरता इसका विश्वास है, अंतिम दिन में जी के उठेगा इसका विश्वास है, लेकिन तू यहां है वो जिएगा इसका विश्वास नहीं। यीशु मसीह ने कोई बात नहीं, मेरी नजर में वो सो रहा है, सोते हुए को कैसे जगाते, वो तो पत्थर के अंदर कब्र के भीतर में पड़ा हुआ है, अगर वो जाग जाए और दरवाजा बंद रहे तो निकलेगा कैसे, पहले दरवाजा खुला रखो, पत्थर हटाओ। और वो भीतर भी नहीं गए, अगर वो सो रहा है भीतर जाने की क्या जरूरत है, बाहर से आवाज दे सकते हैं लाजर निकलना, लाजर जाग गए निकल कर आए। समस्या को उसने किस नजर से देखा, बड़ी आसान नजर से देखा। और पौलुस इसी बात को कह रहा है कि जब तक तुम में मसीह का सा रूप ना बन जाए, मैं जच्चा किसी पीड़ा समझता हूं, टेक्नियन है तो काम नहीं चलेगा, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे ऊपर के स्तर में पहुंचे। एक और शब्द इसी से संबंधित है, मैं आपको बताऊं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 16, रोमी 8 उसके 16, वहां पर टेक्नियन से ही संबंधित शब्द है, लेकिन जो शब्द है वह है टेक्नोन, रोमी 8 उसके 16, यहां पर लिखता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान, हम परमेश्वर के टेक्नियन, टेक्नोन, हम परमेश्वर के संतान,
हमको बहुत कुछ मिला है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। हमको तो राज्य करना है। हम सिर्फ सीखते रहेंगे यहां तक नहीं रहेंगे, हम राज्य करने के लिए चुने गए। कुरिन्थ के 5:17 में क्या लिखा है, वे जो अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान अर्थात धार्मिकता बहुतायत से पाते हैं, वे यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। और लिखता है अवश्य ही राज्य करेंगे। हम राज्य करने के लिए पाए क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता का दान पाया है। हमारा डेस्टिनेशन हम राज्य करें। जब तक हम राज्य नहीं करें अपनी सारी बातों पर, हम चैन नहीं लेंगे। हम ब्रेकफास्ट हैं उसे संतुष्ट नहीं है, हम नेपियोस हैं उसे संतुष्ट नहीं है, पाइटियों ने उसे संतुष्ट नहीं है, टेकडियो ने उसे संतुष्ट नहीं है। हमको कुछ और चाहिए। हमको चाहिए कि हम उइहोस हो जाए। हालेलुया। और उसने क्या कहा, रोमी 8:14 को पढ़िए, वहां पर लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के उइहोस हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पुत्र के लिए जो शब्द है वह है उइहोस। अब ये वो व्यक्ति है जो मैच्योर हो गया, ये व्यक्ति है जो जवान हो गया, जो यीशु मसीह के डील डॉल में आ गया। और परमेश्वर चाहता है कि इस उइहोस तक हम पहुंच जाए, उस परिपूर्णता तक हम पहुंच जाए। और उसने कहा इस उइहोस के साथ में क्या है, पद 15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के टेक्नियन है, टेक्नोन है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। हमने सीखा था मसीह के संगी वारिस होने का क्या मतलब है, जो कुछ मसीह का है वो हमारा है, कोई बंटवारा नहीं हुआ, सेम चीज हमारा है, बस हमने उसे काम में लाना शुरू नहीं किया। लेकिन इस सहभागिता में दुख की भी सहभागिता है। दुख अर्थात बीमारी और एक्सीडेंट वाला दुख नहीं, सताहट वाला। और उसने कहा कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो महिमा भी पाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों उइहोस के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि इंतजार कर रही है कि कब मसीही लोग नेपियोस और पाइडियन से होकर के उइहोस में आ जाए, और हम लोगों को पता ही नहीं है कि वहां तक जाना है। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से बाट जो रही है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाए, उसके उइहोस प्रकट हो जाए, क्योंकि सृष्टि दासत्व में पड़ी हुई है। जब उइहोस परमेश्वर के संतान लोग उस स्थान पर पहुंचेंगे, सृष्टि भी छुटकारा पाएगी। क्योंकि सृष्टि के विषय में क्या लिखा है, पद 20, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि श्राप के अधीन कर दी गई, विनाश के अधीन कर दी गई, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सृष्टि को भी छुटकारा दे। लेकिन इस सृष्टि का छुटकारा तब तक नहीं होगा जब तक परमेश्वर के संतान उइहोस तक नहीं आ जाते। सृष्टि इंतजार में है कि कब परमेश्वर के संतान उइहोस हो जाए। एक दो आदमी के उइहोस होने की बात है, उसके संतान परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात, ये यीशु मसीह के विषय में भी नहीं है कि यीशु मसीह अगर वैसा होता तो परमेश्वर का पुत्र लिखता, या हम दोनों हम लोगों में से कोई एक दो व्यक्ति की बात नहीं, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो है। परमेश्वर ने ऐसा बना दिया कि हम लोग एक महिमा में स्थान पर पहुंचे, और जब हम उस महिमा में स्थान पर पहुंचे सृष्टि भी छुटकारा पाए और उसको भी स्वतंत्रता दी जाए। जब तक हम उस महिमा में स्थान पर नहीं पहुंचते सृष्टि बंधन में रहेगी और शैतान उसका हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। इसलिए हम लोगों को उन्नति करना चाहिए। मैंने आरंभ में जब हम लोगों ने पहला दिन आरंभ किया था, मैंने आपको लक्ष्य बता दिया था, मैंने साफ साफ कह दिया था कि तेजस्वी कलीसिया, यही हमारा लक्ष्य, तेजस्वी अर्थात महिमा में, इंग्लिश में शब्द है ग्लोरियस चर्च। जब तक हम महिमा के स्थान पर नहीं पहुंचते हम डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचे, हम मंजिल तक नहीं पहुंचे, हम अभी यात्रा में। और सिर्फ एक दो व्यक्ति की बात नहीं, पूरी कलीसिया की बात, हमको वहां तक जाना है। और इसीलिए मैंने जितनी भी शिक्षाएं दी उसी टारगेट को, उसी लक्ष्य को लक्ष्य करके मैंने बताया,
ताकि हम उस तरफ बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जब महिमा हमारा लक्ष्य होता है बाकी सब बातें उसमें आ जाती है। सिर्फ स्वर्ग हमारा लक्ष्य होगा तो बाकी बातें मिस रहेंगी। पृथ्वी पर कुछ नहीं हुआ, चलो मरने पर स्वर्ग तो मिला, इसी पर संतोष करो। लेकिन जब महिमा आपका लक्ष्य होता है, पृथ्वी भी आपकी, स्वर्ग भी आपका। हालेलुया, कुछ नहीं छूटता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उस स्थान पर पहुंचे। सो उन्नति करते चले जाइए। मेरे लिस्ट में कुछ और बातें हैं बताने के लिए, परंतु एक घंटे से ज्यादा हो गए। सुन सकते हैं ना? इसी उन्नति के संबंध में है इसलिए। अब जब उन्नति की बात है तो हमने सुना कि क्या क्या हम कर सकते हैं। हम उसके साथ समय बिताएंगे, हम उसके वचन की लालसा करेंगे, हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे वगैरह। लेकिन इस उन्नति में एक और चीज है जो ज्ञान से संबंध रखता है, जिसके लिए यूनानी शब्द मैंने आपको ढेर सारे बताए, ग्नोसिस, एपिग्नोसिस, जिनोस्को, आइडो वगैरह। तो यूनानी भाषा में, जो लोग यूनानी में बाइबल पढ़ते होंगे उनके लिए तो आसान है, हमारे लिए तो छुप गया, क्योंकि हमारे लिए तो हिंदी में वैसा शब्द नहीं। तो इसलिए मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप उसको हिंदी और इंग्लिश में बार बार भी पढ़ेंगे तो वो सामने नहीं आएगा जब तक आप यूनानी शब्द चेक नहीं करेंगे। तो जो हमारी उन्नति है उसके मुख्य रूप से तीन स्तर होंगे, जिसको हम आंतरिक रूप से करेंगे। उसमें से जो पहला स्तर होगा वह है जिनोस्को। जिनोस्को अर्थात ऐसा ज्ञान जिसको हमने परमेश्वर से प्रकाशन के रूप में पाया और जिसको हम थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगते हैं। हमने ज्ञान पाया, जैसे यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो हमने वो ज्ञान पाया, यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, हमने वो ज्ञान पाया, जिनोस्को पाया। लेकिन वो जिनोस्को जिनोस्को तक सीमित ना रहे, लेकिन आइडो हो जाए, आइडो या ओइडा। जिनोस्को के लिए जो रेफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा, इफिसी और उसका तीसरा अध्याय और उसके पद 19, इफिसियों की पत्री और उसका तीसरा अध्याय पद 19, यहां पर लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। इंग्लिश में लिखा है, एंड टू नो द लव ऑफ क्राइस्ट विच पासेथ नॉलेज। जो नॉलेज से परे है उसको आप जानिएगा कैसे, है ना? मसीह को उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। अगर वो ज्ञान से परे है तो आप जानेंगे कैसे? लेकिन यूनानी में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप मसीह के उस प्रेम को जिनोस्को कर सकें जो ग्नोसिस से परे है। जितना भी तर्क वितर्क एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन वाला ज्ञान है, उस ज्ञान से आप मसीह के प्रेम को कभी नहीं जान सकते। उस ज्ञान को आप सिर्फ जिनोस्को से जान सकते हैं। वो ग्नोसिस से नहीं मिलेगा, वो जिनोस्को से मिलेगा। वो प्रकाशन है जो आपके अंदर खुलता है, आप उसके प्रेम को अचानक महसूस करते हैं, महसूस करना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है ये जिनोस्को। तो आप इस बात को सोचिए कि अगर मुझे जिनोस्को नहीं हो रहा है, मैं परमेश्वर की बहुत बातों का अनुभव नहीं कर रहा हूं, तो मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे परमेश्वर के समीप बिताना चाहिए, अपना समय देना चाहिए और उन बातों को सोचना चाहिए जो परमेश्वर ने अपने वचन में मुझे बताया। फिर जो दूसरा स्तर है वो है आइडो या ओइडा। उसके लिए मैं आपको रेफरेंस दिखाना चाहता हूं, वह यूहन्ना और उसके 8वां अध्याय पद 55, यूहन्ना अध्याय 8 और उसके पद 55, वहां पर लिखा है, हम लोग इसको ई सोर्स से देख लें, हिंदी में लिखा है, तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। तो यहां पर जो संदर्भ है वो ये है, यीशु मसीह यहूदियों से बातचीत कर रहे हैं। शुरू में तो ये यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन जब यीशु मसीह उनको बताने लगे तुम्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता है, तो वे उसके खिलाफ हो गए और यीशु के विरुद्ध में बातें करने लगे। लेकिन यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर से हूं और तुम परमेश्वर से नहीं हो। अगर मैं कहूं कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता तो मैं झूठा ठहरूंगा, लेकिन तुम लोग उसको नहीं जानते हो। तो जानने के लिए जो शब्द है उसमें से जो शब्द है, यू हैव नॉट नोन हिम, तो यू हैव नॉट नोन हिम, तुमने उसे नहीं जाना, तुमने उसको जिनोस्को नहीं किया। मतलब शब्दों से तो जानते होगे, सुन के जानते होगे, पढ़ के जानते होगे, पर अनुभव से तुम कुछ नहीं जानते। तुमने उसे नहीं जाना, तुमने उसे जिनोस्को नहीं किया। बट आई नो हिम,
लेकिन मैं उसे जानता हूं। और जो जानने के लिए शब्द है वो है आई डू, मैं उसे जानता हूं। ये दूसरे प्रकार का ज्ञान है। उसने ये नहीं कहा मैं उसको जिनोस्को करता, उसने कहा मैं आई डू करता हूं। जिनोस्को से आगे आई डू, अर्थात इस प्रकार का ज्ञान कि हम उसके प्रति सचेत हैं। उसका कहने का अर्थ है कि आई एम अवेयर, मतलब हर परिस्थिति में वो परमेश्वर के प्रति अवेयर है। वो जिनोस्को से ऊपर है, वो सिर्फ उसको अनुभव से थोड़ा बहुत नहीं जानता है कि हाँ दो दिन पहले अनुभव किया था। वो वर्तमान काल में है, वो उसके प्रति सचेत है। जब हम कहते परमेश्वर की सामर्थ, तो हम उसके प्रति सचेत हैं। और जब वो सचेत रहता था तो जब जरूरत होती थी तब वो सामर्थ चली आती थी। जब वो सचेत नहीं रहेगा या कोई व्यक्ति उसके प्रति सचेत नहीं रहेगा तो सामर्थ प्रकट भी नहीं होगी। तो उसको सचेत होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, उसको अवेयर होना चाहिए। उसने कहा आई डो हिम, आई नो हिम, एंड इफ आई शुड से आई नो हिम, आई डो नो हिम नॉट, आई शैल बी अ लायर लाइक अन टू यू, बट आई नो हिम, मतलब आई डो हिम एंड कीव हिज सेइंग। जितनी बार उसने कहा मैं पिता को जानता हूं, उसने कहा मैं उसको आई डो करता हूं। जिनोस्को तो है ही, लेकिन मैं हमेशा पिता के प्रति अवेयर हूं, मैं सचेत हूं। हमारे भारत में एक चीज हुई है जिसको कहा जाता है ध्यान, जिसकी खोज उन्होंने की है बहुत पहले, हालांकि वो लोग कुछ और चीज करते हैं ध्यान करते हुए। और ध्यान करने में बहुत सारी बातें आती हैं, उसमें एक चीज आता है अवेयरनेस, कॉन्सियसनेस, वो लोग बातें करेंगे। और बाइबल में ध्यान के विषय बातें करती है, जो उस पर ध्यान करता रहता है उस वृक्ष के समान है जो बहते जल के किनारे लगाए, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना। ध्यान करना हमारा भी पाठ। अब जब हम ध्यान करते हैं तो उस ध्यान में अवेयरनेस आता है। हम लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हम उसको बराबर ध्यान करते हैं। जब हम उसको ध्यान करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को हमेशा महसूस करेंगे, और नहीं तो ध्यान नहीं करेंगे तो पांच दिन पहले हमने स्टेज पे आकर कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि साथ है, और दो दिन बाद हम लोग स्टेटस अपलोड करेंगे फीलिंग लोनली। अवेयरनेस जाता रहा, लेकिन हम ध्यान करेंगे तो अवेयरनेस बना रहे कि उसने कहा है तो वो साथ है। हम ध्यान करेंगे कि वो चंगा करता है, और इसी प्रकार हम ध्यान करेंगे कि उसने कहा है कि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर, उसने कहा है बहुत सारी बातों को, कहा जितने हम टेक्नियों के लेवल में सीखते हैं उन सारी बातों को हम ध्यान करते रहे कि हमको जरूरत पड़ने पर उसकी खोज ना करनी पड़े, वो हमको ऊपर ही रहे। कि हमको जरूरत पड़ गई तब हमको उसको नीचे से निकालना पड़ रहा है, दबा हुआ है, लेकिन हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें व्यवहारिकता में वो जब जब जरूरत है तुरंत हम निकाल सकते हैं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं मैं परमेश्वर को ध्यान, मतलब कॉन्शियस हूं उसके प्रति, आई डू। तो जब हम ध्यान करते हैं इस प्रकार, तो आप जब प्रार्थना करें तो उसमें एक स्पष्ट समय निकालिए जब आप इन वचनों पर ध्यान करें। मैंने जब प्रार्थना के विषय में सिखाया था तो आपको सिखाया था निवास स्थान की प्रार्थना, मिलाप वाले तंबू की प्रार्थना, यहाँ पे बकायदा डायग्राम था, वहां पर जो वेदी थी जहां पर हम प्रार्थना के लिए आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप किस रीति से प्रार्थना करें, यीशु मसीह के बलिदान से हमें क्या क्या लाभ है, आप उस पर ध्यान देना शुरू करें। जब आप उस रीति से प्रार्थना करते हैं ऑटोमेटिक आप ध्यान करते हैं। आप उस प्रार्थना को कभी भी मत सोचिए कि वो बताया गया था, कभी करें कभी ना करें, आप लगातार कीजिए। वो एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आप ऑटोमेटिक ध्यान करते हैं, और आप ध्यान करते रहते हैं, और आप कब जिनोस्को से आइडो में आ गए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आइडो सिर्फ आखिरी लेवल नहीं, इसके बाद है एपिग्नोसिस, एपिग्नोसिस, और उसको हम पाएंगे इफिसियो और उसके पहले अध्याय और उसके पद 17। बहुत जगह एक्चुअली जो एपिग्नोसिस शब्द है वो पूरे बाइबल में 20 बार इस्तेमाल किया गया है। 16 बार तो पौलुस खुद करता है, 4 बार पत्रस इस्तेमाल करता है। इफिसी पहला अध्याय और उसके पद 17 लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में, अपनी एपिग्नोसिस में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अब ये एपिग्नोसिस क्या स्थिति है,
यह ऐसी स्थिति है कि जो चीजें हमें दी गई हैं, हमने उसको चारों तरफ से देखभाल कर लिया है, उसको इस्तेमाल करना सीख लिया है और उसके प्रति हम सचेत हैं कि जब जब हमको जरूरत पड़े हम निकाल सके। यह हमारे व्यवहार का हिस्सा बन गया। तो उसने कहा कि यह एपिग्नोसिस तुम्हें प्राप्त हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और उसने उनको कुछ लिख करके भेजा, कुछ सिखाया भी। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जिनोस्को से आइडो, आइडो से एपिग्नोसिस में आए। और एपिग्नोसिस वो उस स्थान का ज्ञान है जहां हम प्रभावशाली ढंग से सब चीज करते चले जाए। फिलिमोन की पत्री पहला अध्याय 6 पद निकालिए, हम लोग इसको इस ओर से देखेंगे। फिलिमोन अध्याय 1 पद 6, क्योंकि हिंदी अनुवाद सही नहीं है, वो अच्छा अर्थ स्पष्ट नहीं करता है। फिलिमोन 1:6 हिंदी में लिखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। विश्वास में तुम्हारा सहभागी होना, और लिखा है सारी तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। दूसरा अनुवाद जो IBP अनुवाद है वो थोड़ा सा अलग अनुवाद करता है और अच्छा अनुवाद, इससे बेहतर अनुवाद करता है कि तुम्हारे विश्वास की जो सहभागिता है यीशु मसीह में, जो अर्थ वाकई में है, मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हारे विश्वास में जो सहभागिता, अर्थात तुम यीशु मसीह में शामिल हुए, तुम विश्वास के द्वारा शामिल हुए, विश्वास में सहभागी हुए, ये विश्वास तुम्हारे जीवन में प्रभावशाली ढंग से कब काम करेगा? जब तुम हरे उन भली वस्तुओं को जानोगे जो यीशु मसीह में तुम्हें मिली है। इंग्लिश देखिए 6, दैट द कम्युनिकेशन ऑफ थाई फेथ में बिकम इफेक्चुअल, तुम्हारे विश्वास का काम में लाना प्रभावशाली हो। कैसे? बाय एक्नोलेजिंग एवरी गुड थिंग विच इज इन यू इन क्राइस्ट जीसस। बाय एक्नोलेजिंग एवरी गुड थिंग विच इज इन यू, तुम में जो भली वस्तु है, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह में होने के कारण जो भली वस्तुएं हैं उनको एक्नॉलेज करने की वजह से, उनको जानने की वजह से, उनको एपिग्नोसिस करने की वजह से तुम्हारा विश्वास प्रभावशाली। वहां पर जो एक्नॉलेजिंग के लिए शब्द है वो है एपिग्नोसिस। हम चाहते हैं हमारा विश्वास प्रभावशाली हो। कैसे प्रभावशाली होगा? परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया एक विश्वासी को, हम लोग उन हर एक बातों को जानेंगे और उस पर ध्यान करते रहेंगे, और फिर क्या होगा, हमारा विश्वास प्रभावशाली, हमारे लिए फिर कुछ भी अनहोना नहीं होगा, हम लोग वही होश की स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे। सृष्टि हमारा पाठ, हमारी बाट जो होती है, हम लोग उसको भी स्वतंत्रता दिला पाएंगे। मैं मेरी प्रार्थना आपके विषय में यही है कि आप उन्नति करते जाएं प्रतिदिन, ब्रेफोस ना रहें, नेपियोस ना रहें, पाइटियन ना रहें, टेक्नियन ना रहें, वही होश हो जाएं। जो तरीका है वो ये है कि जो कुछ उसने आपको वचन में दिया है उस वचन के साथ समय बिताइए। वचन के साथ समय बिताते हैं तो आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उस वचन पर ध्यान कीजिए। मेरी उन्नति का कारण वही था। मैं जब आया गया कॉलेज, मैं पैदल चला, मैं अभी भी ऐसा करता हूँ, मैंने सोचा, विचारा, ध्यान किया, मेरी उन्नति हुई। आपकी उन्नति होगी, सबकी उन्नति। ध्यान करने से हम बच नहीं सकते, है ना, हम उसको स्किप करके दूसरे रास्ते से आ गए, ऐसा नहीं होगा। हम लोग आखिरी पद कोट करेंगे, याकूब उसका पहला अध्याय और उसके पद 25 हिंदी में लिखा है, याकूब 1 और उसके 25, परंतु नहीं, याकूब 1 और उसके 25, चलिए हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, स्क्रीन पर है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, छूट गया है, पर वैसा ही काम करता है। अपनी बाइबल में देखिए, मुझे तो याद था इसलिए पता है, सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, पुरानी व्यवस्था नहीं, मूसा की व्यवस्था नहीं, मूसा की व्यवस्था यहोशू को दी गई थी, उस पर ध्यान करे तो सफल होगा। मूसा की व्यवस्था रद्द कर दी गई एक दिन,
फिर उसके जगह पर यीशु मसीह की स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था आई, जिसके तहत उसने बताया कि हम परमेश्वर के राज में हैं और हैं तो क्या हैं। उसने कहा जो इस पर ध्यान करता रहता है, जो इसको सोचता विचारता रहता है, जो इसके अवेयरनेस के लिए प्रयास करता रहता है कि जब जब मुझे मालूम हो कोई भी परिस्थिति हो तो मुझे मालूम है परमेश्वर की संतान, कोई भी परिस्थिति हो तो मुझे मालूम हो कि मैं क्या हूं, मुझे मालूम है कि मैं स्वर्गदूतों से बढ़कर हूं, भविष्यवक्ताओं से बढ़कर हूं, दुष्ट आत्माओं के ऊपर हूं। तुरंत वो निकल आए, उसके लिए ध्यान करता रहता है। वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर वो भूलेगा नहीं, जो ध्यान करता रहता है वो भूलता नहीं है, वो तुरंत उसको काम में लाता है। हालेलुया। और ऐसा करके जब हम करते चले जाते हैं और चारों तरफ से जो अनुग्रह को दिया गया उसको हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समय बिताते हैं, हम एपिग्नोसिस में पहुंचते हैं। एपिग्नोसिस हमें स्वतंत्रता को अनुभव करने में मदद करती है, और ये स्वतंत्रता सृष्टि को एक दिन स्वतंत्र करेगी। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारी उन्नति चाहते हैं, और आपने हम में से प्रत्येक जन को इसलिए बुलाया है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में हो, कि हम उसके पूरे डील डॉल को प्राप्त करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, और इसके लिए तूने हमें माध्यम बता दिया, तूने अपेक्षाओं को हम पर प्रकट कर दिया कि तू नहीं चाहता कि हम ब्रेकफास्ट की अवस्था में रहें, लेकिन तू चाहता है कि हम नेपियोस पाइडियोन टेक्नियोन वही होस्ट तक पहुँचे। तूने हमें मार्ग बता दिया कि हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकें। इनमें से प्रत्येक जन की सहायता कीजिए पिता, क्योंकि हम तेरे वचन में पढ़ते हैं कि सृष्टि हमारा इंतजार कर रही है कि हम वही होस्ट बन जाए, ताकि हम यह स्वतंत्रता ला सकें, ताकि महिमा दिखाई दे सके। पिता हमें से प्रत्येक उन्नति करते चले जाए, उन्नति के लिए इनकी सहायता कीजिए, ध्यान करने के लिए इनकी सहायता कीजिए, और ये आगे बढ़ते चले जाए और इनकी उन्नति सब पर प्रकट हो जाए। यीशु मसीह के नाम में।